हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसएससी सीपीओ एसआई की जो 2022 की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुई थी उसके जो सभी नौ शिफ्ट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आज एक पूरा बड़ा वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक एक शिफ्ट का अलग इंडिविजुअली वीडियो बना रहे हो तो फिर हमें ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं आज 2022 में जो सभी नौ शिफ्ट हैं उन सभी नौ शिफ्ट को के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि ये टोटल 41 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। कुछ कुछ शिफ्ट में पाँच पाँच या छः छः वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 4 से 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप गलत कर ही नहीं सकते। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो 41 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं तो इसको ये मत समझिए कि सिर्फ 41 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखोगे तो पिक्टोग्राफ्स और रूट वर्ड के थ्रू 41 रूट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, 41 क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन है। तो अपन 164 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और एसएससी में आप देखा होगा कि एसएससी की कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ एसआई की एग्जाम हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, अक्सर वोकेबलरी का जो पार्ट होता है वो 90% रिपीट ही होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो स्पेशली आप पिछले 5 साल के कर जाओ, मेरी गारंटी है कि 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए बाकी लोगों की तरह नहीं करेंगे हम। बाकी लोग क्या करते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया, उसका करेक्ट आंसर क्या है वो बताया और चल दिया। अपन सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पूछा गया था वो था वन हु डज ए थिंग फॉर ए प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को अपने आनंद के लिए करता है, अपने नौकरी या फिर जॉब के लिए नहीं करता। और आपके ऑप्शन थे परफॉर्मर, दूसरा था एमेच्योर, तीसरा था प्रोफेशनल, फोर्थ था एस्थेटिक। मैं बोलूंगा कि नहीं ज्यादा आसान था, नहीं ज्यादा टफ था। पर अगर आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोज देखे होंगे वन वर्ड सीरीज में, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके ये सब आराम से देख सकते हैं। तो उसमें ये वर्ड ऑलरेडी मैंने कवर करवाया हुआ है कहीं ना कहीं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी के एग्जाम से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परफॉर्मर क्या होता है। परफॉर्मर हमें जैसे पता है कि परफॉर्म करने से बना हुआ है कि उस बंदे ने परफॉर्म किया नहीं किया। तो परफॉर्मर क्या होता है, ए पर्सन हु परफॉर्म्स फॉर एन ऑडियंस इन ए शो और कंसर्ट एटसेट्रा। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए, दर्शकों के लिए परफॉर्म करता है, कोई भी शो हो, कंसर्ट चल रहा हो, उसमें उसको हम परफॉर्मर बोलते हैं। अब इसको हिंदी वर्ड से याद रखिए, प्रदर्शक। कोई भी किसी चीज का प्रदर्शन करता है उसको बोलते हैं परफॉर्मर। जैसे कि आप सकते हो कि स्टेज पे ये डांस का प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये लोग कौन कहलाएंगे, परफॉर्मर। सेकेंड वर्ड क्या है, एमेच्योर। ये बहुत ही मतलब मैं ये कहूंगा कि एसएससी का फेवरेट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। जो अपने आनंद के लिए करता है किस चीज को, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। जैसे कोई व्यक्ति जॉब पे जाता है पर शाम को आके कोई फोटोग्राफी करता है तो उसको हम बोलेंगे एमेच्योर फोटोग्राफर। हिंदी में इसका मीनिंग होता है शौकिया। जैसा कि आप इससे देख सकते हो कि एक एमेच्योर फोटोग्राफर है, ये इस बच्चे की फोटोग्राफ ले रहा है लेकिन इसकी फोटोग्राफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि वो एमेच्योर है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल बंदा है, वो इसकी फोटोग्राफ ले रहा है तो देखिए कितने इस फोटो में ग्रेस है। नेक्स्ट वर्ड था अपना प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होता है, डूइंग समथिंग एज ए पेड जॉब रेदर देन एज ए हॉबी। तो अमेच्योर कौन होता है, किसी भी काम को शौक या तौर पे करता है या फिर हॉबी के लिए करता है। प्रोफेशनल कौन होता है, वो अपने जॉब के लिए करता है और पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है। हिंदी में ऐसे शब्द क्या बोलते हैं, पेशेवर। प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर। जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि ये बंदा प्रो है, प्रो मीन्स प्रो इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोफेशनल। तो एमेच्योर और प्रोफेशनल क्या हो गए, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या मीनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या बचा, एसेटिक। एसेटिक क्या होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड ए स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण से तरीके से रहता है और एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से रहता है, कोई भी सांसारिक सुख सुविधाओं का वो लाभ नहीं लेता है, कोई एसी का यूज नहीं करता है, कोई गाड़ी का यूज नहीं करता है, नेचुरली गुफाओं में वो रहता है। और यूजली ये किसके लिए रहता है, धर्म से रिलेटेड रीजन्स के लिए, जिसे अपने हिंदू धर्म में पुराने लोग में जो वर्णाश्रम या वन प्रस्थ स्टेज होती थी उसमें लोग जंगल में चले जाते थे, या फिर बुद्धिस्ट लोग जो
बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एसेटिक लोग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सन्यासी। अब एसेटिक वर्ड आते ही आपके माइंड में ये पिक्चर रिलेट होनी चाहिए, तो आप इसको कभी नहीं बोलोगे। तो अब अपना आंसर क्या होगा, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। परफॉर्मर हमें क्या होता है, प्रदर्शक होता है। प्रोफेशनल क्या होता है, कोई काम को पेशेवर तरीके से करता है। एसेटिक क्या होता है, जो सब कुछ दुनियादारी छोड़ के एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से रहता है, उसको हम एसेटिक बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, एमेच्योर, सो किया। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन। एक ऐसी जगह जहां पे हम गोला बारूद को स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन वन वार्ड्रोब, ऑप्शन बी वेयरहाउस, ऑप्शन सी ग्रेनरी, ऑप्शन डी आर्सेनल। सबसे पहले हम देखते हैं वार्ड्रोब। वार्ड्रोब तो यूजली वार्ड्रोब ये वर्ड ही ऐसा लगता है, वार्ड्रोब कुछ नहीं, आपको याद है ना अलमीरा को बोलते हैं वार्ड्रोब, बोलते हैं ना कि तुम्हारे वार्ड्रोब में क्या क्या कलेक्शन है, क्या क्या सूट है, कपड़े हैं। वार्ड्रोब मीन्स अलमीरा, खत्म, कुछ देखना नहीं है। वार्ड्रोब वर्ड आपको जहां पे ध्यान आए आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ऐसी अलमीरा को वार्ड्रोब बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अपना उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, अपना उद्देश्य हाई फाई वर्ड्स को या इंग्लिश में भी मीनिंग याद करें, कैसे भी नहीं, अपने को ऐसा तरीका अपनाना है कि जल्दी से जल्दी चीजें हम याद कर पाए। ये वीडियो भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है, पिक्टोग्राफ्स को यूज करके। आप एक बार ये वीडियो लंबा जरूर है देख लो, लेकिन एक बार देख लोगे तो फिर आप इन चीजों को कभी नहीं भूलोगे। दूसरी तरफ वेयर हाउस, वेयर हाउस हम सुनते हैं, वेयर हाउस क्या होता है, गोदाम को बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे चीजों को बल्क में रखा गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। तो इसी तरफ क्या होता है, ग्रेनरी। ग्रेनरी सबसे ही हमें पता है कि ग्रेन से बना है, GRAIN, ग्रेन से बना है। तो ग्रेनरी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बोरियों में गेहूं या फिर चावल भर के इकट्ठा किया गया, ये एक FCI का गोदाम है, ग्रेनरी है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनरी। फोर्थ क्या है, आर्सेनल। आर्सेनल का क्या मीनिंग होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्म्स एंड अम्यूनिशन गोला बारूद को स्टोर किया जाता है। जिसे अपने मूवीज में देखा होगा कि एक ऐसा सीन दीवार है वहां पे गन्स लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्सेनल। तो ऑब्वियसली अपना आंसर क्या होगा, प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन, वार्ड्रोब हो नहीं सकता, वार्ड्रोब मीन्स अलमीरा, वेयर हाउस क्या होता है, गोदाम, ग्रेनरी क्या होता है, जहां अनाज रखा जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा आर्सेनल, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। कोई भी ऐसी चीज जो सैडनेस या फिर पश्चाताप की फीलिंग किसी बंदे में क्रिएट करती है, उसको क्या बोलेंगे। अब ये मैं बोलूंगा कि ये इसके ऑप्शन सी थ्री और फोर, थ्री और फोर तो एकदम आसान है, ये तो हर किसी को पता है। ऑप्शन वन और टू थोड़े से टफ है, ऑप्शन वन भी ज्यादा टफ नहीं है कि अगर आपने इसको तरीके से पढ़ा हो तो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनके मीनिंग है। पंजेंट, पंजेंट इसको क्या बोलते हैं, पंजेंट। पंजेंट का क्या मीनिंग होता है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, किसी चीज का एकदम तीखा टेस्ट हो या स्मेल हो, उसको हम बोलेंगे पंजेंट। जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, कि हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो कुछ कुछ गैस को मिलाते तो इतनी गंदी स्मेल आती थी कि अपने नाकों में चुभ जाती थी, तो वो स्मेल होती है पंजेंट स्मेल। या फिर अपन कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे कई दिन से कचरा किसी जगह पे इकट्ठा हो रखा है, वहां पे बारिश हो गई है, फिर अजीब सी स्मेल आने लगी जो चुभती है, वहां ऐसी इच्छा होती है कि यहाँ से चलो जल्दी से जल्दी, ऐसी स्मेल को क्या बोलते हैं, पंजेंट। जैसे आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति गार्बेज के पास से गुजर रहा है तो उसको नाक बंद कर लेना पड़ रहा है, तो ऐसी स्मेल को क्या बोलते हैं, पंजेंट। ऐसा टेस्ट भी हो सकता है। दूसरी तरफ वर्ड क्या, पोइनेंट। पोइनेंट, पोइनेंट क्या होता है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर फीलिंग्स स्पेशली इन ए वे दैट मेक्स यू फील सैड। पोइनेंट क्या होता है, कोई भी चीज जो आपकी इमोशंस में फीलिंग में ऐसा प्रभाव डालती है कि आपको दुखी हो, आप दुखी हो जाते हो, आपको सैड फील होने लग जाता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई उसके अंदर इमोशनल सीन आ रहा है तो आपके खुद के आंसू आने लग गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोइनेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मार्मिक। मार्मिक वर्ड से भी आप इसको याद कर सकते हो, या फिर आप बेस्ट पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये गर्ल मूवी देख रही है, अचानक से कोई इमोशनल सीन आया तो सी स्टार्टेड क्राइंग एंड फीलिंग सैड, तो इसको ऐसी चीज़ों क्या बोलते हैं, पोइनेंट। तीसरा क्या होता है, इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल किससे बना हुआ, इम्पैक्ट से, कहते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अपन बोलते हैं ना कि ये इवेंट हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव। तो इम्पैक्टफुल क्या होता है, प्रभावशाली, कोई चीज़ प्रभावशाली उसको बोलते हैं दिस इज इम्पैक्टफुल। चौथा क्या होता है, अनअफेक्टिंग। अफेक्ट क्या होता है, किसी पर प्रभाव डालना, अफेक्टिंग प्रभाव डालने वाली कोई चीज़ डाल रही है, अनअफेक्टिंग मीन्स कोई भी चीज़ अनअफेक्टिंग है, मीन्स प्रभावहीन है, वो कोई प्रभाव नहीं डाल रही है।
तो उसका नाम फैक्टिंग बोलते हैं। देखा जाए तो जो वर्ड अपने जो सी ओ डी हैं, ये प्रभावशाली हो गया, ये प्रभावहीन हो गया, देखा जाए तो एक दूसरे के ये एंटोनिम्स हैं। तो अपना ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। तो इसके ऑप्शंस क्या थे, पंजेंट, पोइनेंट, इम्पैक्टफुल, अनअफेक्टिंग। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, पोइनेंट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं क्या है, प्रॉफिटेबल और यील्डिंग फाइनेंशियल गेन। प्रॉफिटेबल जिससे फायदा हो अपने को मॉनेटरी टर्म्स में, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन मतलब वित्तीय फायदा जो चीजें पहुंचाती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है ल्यूडिक्रस, सेकंड है ल्यूक्रेटिव, थर्ड है ल्यूडाइट, फोर्थ है लगर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं जैसे लगर है या ल्यूडाइट है, तो ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन वर्ड्स नहीं है, बहुत अनकॉमन वर्ड्स है। तो इसको आपको देखने को लग गया होगा कि CPSI की परीक्षा में ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं जो बेहद आसान भी हैं, कुछ मीडियम भी है और कुछ टफ भी है। अब इसके अंदर अगर आपको जो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा उसका मीनिंग पता होगा तो आप कर ही देंगे, बट कुछ कुछ वर्ड्स टफ पूछे जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देखो या कोई क्वेश्चन देखो तो आपको सही आता है, बट सही अगर आता है तो भी आप बाकी तीन ऑप्शन होते हैं उसका भी आंसर जानने की कोशिश करो। तो कई बार क्या होता है कि आप आंसर, आपको दो तीन ऑप्शन का मीनिंग पता होता है तो उसको आप इलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ludicrous क्या होता है। ludicrous क्या होता है, अनरीजनेबल, दैट यू कैन नॉट टेक सीरियसली। ऐसी भी कोई बात या कोई आर्ग्यूमेंट जिसको हम सीरियसली ले ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति होता है जो हमारे ग्रुप में जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है जिसकी बात हम ले ही नहीं सकते सीरियसली, उसको बोलते हैं ludicrous। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हंसने योग्य। कोई भी ऐसी बात जो भरोसा करने योग्य नहीं हो, हंसने योग्य हो, हास्यास्पद हो, उसको हम बोलेंगे ludicrous। जैसे स्पेक्टोग्राफ से बोल सकते हो, कोई व्यक्ति कुछ बात बोल रहा है आपने हंस के उसको टाल दिया, तो ये बातें होती हैं ludicrous। दूसरी तरफ क्या होती है, lucrative। ये वर्ड हमने सभी से सुना होगा कि ये बिजनेस बड़ा ही lucrative है, ये जॉब बड़ी ही lucrative है, ये पोस्टिंग बड़ी ही lucrative है। तो lucrative क्या होती है, लाभप्रद। और स्पेशली हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचाए, जो जिससे हमें पैसे का फायदा हो, पैसा कमाया जाए, उस चीज को हम बोलते हैं लुक्रेटिव। नेक्स्ट क्या है, ludite। ludite का क्या मीनिंग होता है, ए पर्सन हु इज अपोज्ड टू न्यू टेक्नोलॉजी और वर्किंग मेथड। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नई टेक्निक हो गई या फिर कोई वर्किंग मेथड हो गई उनसे उनको अपोज करता है, तो उसको ludite बोलते हैं। तो अपने फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा रूट वर्ड फाइल वाला वर्ड वीडियो देखा हो या फिर आपने रूट वर्ड मैनिया वाला आपने वोकेबलरी का वीडियो देखा हो, तो वहाँ पे अपने दो वर्ड कवर किए थे। एक था टेक्नोफाइल, तो टेक्नोफाइल क्या होता है, ए पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी। दूसरा टेक्नोमैनिया, टेक्नोमैनिया क्या होता है, ए पर्सन हु इज ऑब्सेसिव अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वर्ड ludite है तो ये क्या है, उन दोनों वर्ड का एंटोनियम है। ऑप्शन फोर क्या है, लगर। लगर क्या होता है, ए स्मॉल सेलिंग शिप विथ टू और थ्री मास्ट एंड ए लग सेल ऑन ईच। एक छोटी सी सेलिंग शिप होती है, सेलिंग शिप समझ रहे हो फ्रेंड्स, सेलिंग शिप वो होती है जिसमें इंजन नहीं होता है, जिसमें ये जो अपने जो हवा के डायरेक्शन से, फिर ये जो ओपन बड़े बड़े जो मास्ट होते हैं और ये पर्दे टाइप के लगाए रहते हैं, तो उनसे ही हवा के डायरेक्शन को यूज करे जो जाते हैं उसको सेलिंग शिप बोलते हैं। उसमें दो या तीन मास्ट होते हैं, जो ये जो मास्ट हैं और ये जो लग सेल है, तो ऐसी बोट को हम लगर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इतना हाई फाई इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, आप इसको जो लगर क्या होती है, ऐसी छोटी बोट होती है, खत्म। अब अपना आंसर क्या होगा, ludicrous हो नहीं सकता है, क्या होता है, हंसने योग्य होता है। ludite क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी से हेट करता है। लगर क्या होता है, बोट होती है, हमने देखी है। तो आंसर क्या होगा, lucrative। अब जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था वो था, वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज होती है उसके बारे में जो बंदा नेगेटिव सोचता है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है पेडेंट, सेकंड है पेरिस्कोप, तीसरा है पॉलीग्लोट और फोर्थ है पेसिमिस्ट। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पॉलीग्लोट ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, पेसिमिस्ट कवर करवाया हुआ है। तो अगर आपको किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दो ऑप्शन पता है कि ये तो नहीं होने वाले, तो बाकी दो बचते हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपके क्या क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्वेश्चन के सही होने की, 25%। तो पेडेंट क्या होता है, ए पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल्स और रूल्स स्पेशली व्हेन लर्निंग और टीचिंग। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाते टाइम या पढ़ते टाइम एकदम हर चीज का ध्यान रखता है कि
स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, ग्रामर में मिस्टेक नहीं हो, कोमा कहाँ आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं पेडेंट। हिंदी में ये बोला जाता है पंडितवादी। जैसे पंडित होते हैं तो एकदम हर चीज के प्रोनंसिएशन पे और एकदम फिक्स वो करते हैं, फोकस करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं पेडेंट, पंडितवादी। दूसरी वर्ड क्या था, पेरिस्कोप। आपने 8th या 9th क्लास साइंस में जरूर पढ़ा होगा कि पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर लगा देते हैं, इधर 45 डिग्री पे मिरर लगाते हैं, तो इधर से भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट आती है, इधर से रिफ्लेक्ट होती है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर ये देख सकता है। तो मतलब कोई जैसे अगर यहाँ पे दीवार हो तो दीवार पे इंस्ट्रूमेंट लगा के ये बंदा बाहर का देख सकता है, या फिर ये सबमरीन जो पनडुब्बी होती है उसमें यूज होता है कि ये छोटा सा पेरिस्कोप आपने ऊपर निकाला और आपने पानी के अंदर रहते हुए थोड़ा सा पेरिस्कोप निकलेगा, आपने जो हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, और उससे पेरिस्कोप से आप चाहो तो घुमा के देख सकते हो कि कोई ऊपर है या नहीं है। तीसरा वर्ड क्या होता है, पॉलीग्लॉट। ये मैंने जो पॉली रूट वर्ड की जो क्लास ली थी उसके अंदर ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप मेरी वोकेबलरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जो पॉली रूट वर्ड का वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जो ज्यादातर वर्ड्स होते हैं वो रूट वर्ड्स हो गए या फिर पिक्टोग्राफ्स के थ्रू मैंने बता रखे हैं, वो कहीं का कहीं पे भी यूज आ सकता है। वोकेबलरी पढ़ोगे तो एंटोनिम सिनोनिम में यूज आएगा, वन वर्ड में यूज आएगा। तो पॉली क्या होता है, मीन्स मैनी, और ग्लोटा मीन्स लैंग्वेज। तो पॉलीग्लोट क्या होगा, एबिलिटी टू स्पीक रीड और राइट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। कोई व्यक्ति जो कई सारी भाषाएं बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको हम बोलेंगे पॉलीग्लोट। हिंदी में क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को, बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट हम किसको बोलते हैं, निराशावादी व्यक्ति को बोलते हैं। पेसिमिज्म भी होता है, पेसिमिज्म का क्या मीनिंग होता है, निराशावाद। अब ये पेसिमिज्म आपको वैसे याद रहेगा कि हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पढ़ते हैं कि पेसिमिज्म किसका एंटोनिम है, ऑप्टिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी, जो सोचता है कि ये अच्छा ही होने वाला है। और पेसिमिस्ट क्या होता है, हमेशा निराशावादी कि ये गलत हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या आते, पेडेंट। पेडेंट क्या होता है, पंडित से रिलेटेड पंडितवादी। पेरिस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये तो यहाँ फिट नहीं होता। पॉलीग्लॉट क्या होता है, बहुभाषी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, पेसिमिस्ट निराशावादी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था कोज टू कंटिन्यू, कीप अप और प्रिजर्व, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी एटसेट्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक नया ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ड तो बहुत आसान सा है जो हर किसी को पता है, लेकिन उसका जो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, जिसे अपने को जिसको सब्सटीट्यूट करना है वन वर्ड से, ये बहुत टिपिकल सा दे दिया। तो इसको आपको समझना है, कोर्स टू कंटिन्यू मतलब कोई 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 काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको कंटिन्यू रखना है या फिर उसको कीप अप करना है। जिस लेवल पे चल रहा है उतना तो रखना ही रखना है, उससे सुधार ही करना है। और प्रिजर्व भी करना क्या होता है कि उसको बनाए रखें। स्टेट ऑफ अफेयर्स, कोई एक अफेयर चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, अफेयर मतलब कोई भी जैसे डिपार्टमेंट के अफेयर्स हो रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी चल रही है, उसको जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने देना। कोशिश हो तो उसको सुधार करो, नहीं वैसा तो चलने ही दो। और अपने पास ऑप्शंस क्या थे, मेंटो, सेकंड मेनली, तीसरा मेंटेन और फोर्थ मैनिस्टर। अब मैं ये बोलूंगा कि ये यहाँ पे इसको पढ़ते ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये सबसे आसान वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो हम देखेंगे मेंटो क्या होता है। मेंटो क्या होता है, ए प्लेटफॉर्म अराउंड द हेड ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ सेलिंग शिप्स मेन मास्ट। जो हमने सेलिंग शिप देखी थी, अगेन सेलिंग शिप क्या होती है, विंड से चलती है, तो उसके ऊपर जो मास्ट होता है, ऊपर जो बड़ा पोल सा होता है जिसमें जो झंडे वंडे लगे रहते हैं, उसमें बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे कोई खड़ा रह सकता है। या अपने पुरानी मूवीज देखी होगी कैप्टन जैक स्पैरो की, वो यहाँ पे जाके खड़ा रहता है, फाइटिंग सीन भी होते हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं मेन टॉप या मेन मास्ट, ये पूरा होता है मेन टॉप, इसको बोलेंगे। तो ये तो इस वन वर्ड से रिलेटेड ही नहीं है। सेकेंड होता है मेनली, MANLY, ये किससे बना है, मेन वर्ड से, MAIN, मेन, हीज ए मैन पर्सन, तो मेनली क्या हो गया, मुख्य रूप से। तीसरा वर्ड क्या होता है, मैन मेंटेन, तो मेंटेन तो पता ही है कि यार उसने अपनी बॉडी को क्या मेंटेन कर रखा है। मेंटेन रखना क्या होता है, कायम रखना है, जैसी चीज को कायम रखना। मेन स्टे क्या होता है, मुख्य आधार। मेन स्टे हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग किसान हैं, उनका मेन स्टे खेती है, मतलब उनका जीवन जीने का मुख्य आधार खेती है, वो होता है मेन स्टे। तो यहाँ पे अब इस बताने की जरूरत है इसका आंसर क्या होगा, मेंटेन। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान सा वर्ड था, लेकिन ऊपर उन्होंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मतलब ऊटपटांग सा दे दिया, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम हॉल में मैं जाके बैठूंगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, दो क्वेश्चन नहीं आता है, तीसरा भी नहीं आता है, तो पैनिक नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कि जो चीज़ जो टफ है वो सबके लिए टफ होगी। तो इसलिए वहाँ पे एकदम जो बंदा काम रहता है, कंपोज रहता है, वो बंदा ही एग्जाम में सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी ऑफ शो। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी शो चल रहा है उसके अंदर जो परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, जिसे परफॉर्मर तो हमने देखा ही था, प्रदर्शक होते हैं, कंटेस्टेंट मतलब जो हिस्सा लेते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे भी कोई व्यक्ति आता है तो स्टेज पे एक बंदा बोलता है कि ये बंदा आ रहा है या कि ये परफॉर्म करेगा, जैसे अवार्ड शोज में हम देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन वन है कैलीग्राफर, ऑप्शन बी है कंपेयर, ऑप्शन थ्री है कंपेयर, ऑप्शन फोर है साइफर। तो देखते हैं सबसे पहले कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफर क्या होता है। कैलीग्राफी मैंने ऑलरेडी ग्राफी रूटवर्ड का जहाँ पे भी मैंने बताया है वहाँ मैंने कवर कर रखा है। अगर आप ग्राफी रूटवर्ड वाला जो मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसको आई बटन पे इंक्लूड कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि ग्राफी रूटवर्ड से या ग्राफर से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। ये सारे वर्ड्स भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में काम आएंगे। तो कैलीग्राफर को हम कैसे रूटवर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं? कैली मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स ए टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। तो कैलीग्राफी क्या होगी? द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग जो हमें लगता है कि कितनी सुंदर है, मशीन से प्रिंट की हुई है, उस टाइप की हैंड राइटिंग को लिखने को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जो व्यक्ति इसको लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? सुलेखन। अब जैसे आप ये आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि एक ताजमहल की एक दीवार का चित्र है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल कैलीग्राफी की गई है। ये होती है कैलीग्राफी। सेकेंड वर्ड क्या होता है? कंपेयर। अब इसको कंपेयर को कैसे वर्ड कर सकते हो आप? कॉम प्लस पीयर, पी डब्ल आर। पीयर क्या बोलते हैं? अपन पीयर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति पीयर्स हैं, पीयर्स मतलब अगर एक बंदी आर्मी में कोई अफसर है तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा उसके समकालीन रैंक क्या होगी, इस बराबर की रैंक क्या होगी, उसका कोई व्यक्ति होगा तो उसको बोलेंगे कंपेयर। तो कंपेयर क्या होता है? ए पर्सन ऑफ इक्वल रैंक स्टेटस और एबिलिटी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रैंक अपने बराबर हो या फिर स्टेटस अपने बराबर हो या पैसा अपने बराबर हो या फिर काबिलियत अपने बराबर हो। दूसरी वर्ड, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, स्पेलिंग्स में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कंपेयर है सी ओ एम पी ई आर ई, यहाँ पे पी डब्ल ई आर है, इसमें पी ई आर ई है। तो कंपेयर क्या होता है? ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द होल द पीपल हु परफॉर्म इन ए टेलीविजन प्रोग्राम ए शो इन ए थिएटर एटसेट्रा। जैसे कि ये औरत आ रही है, ये आ रही है कि अब हमारे सामने आएंगे फलाना ये व्यक्ति आएंगे और ये चीज परफॉर्म करने वाले हैं, तो ऐसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कंपेयर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? साइफर। साइफर क्या होता है? सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग स्पेशली वन इन विच ए सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अदर्स। चीजों को लिखने का एक ऐसा गुप्त तरीका जिसमें हर शब्द को दूसरे सिंबल से या फिर दूसरे शब्द से बदल दिया जाता है ताकि हर कोई पढ़ नहीं सके। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट संदेश, गुप्त संदेश। जैसे हमने देखा होगा कि भाई जासूस होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जानकारी कैसे भेजते हैं, सिर्फ क्रिप्टिक मैसेज से, कूट संदेशों से भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति कोड बना रहा है कि मैं जहाँ पे भी वर्ड ए लिखूंगा तो ए का मीनिंग डी समझा जाए, बी का ई समझा जाए, सी का एफ समझा जाए। तो वर्ड लिखेगा तो उसका मीनिंग तो कुछ और होगा, जबकि जो जिस व्यक्ति को पता है कि इसका कूट संदेश क्या है वो उसका सही मीनिंग निकाल पाएगा। तो ऐसे जो कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइफर। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा? कैलीग्राफर तो क्या होता है? जो अच्छी हैंडराइटिंग से लिखता है। कंपेयर बराबर रैंक का, साइफर हमने देखा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं टेकिंग हीड और केयर बींग कॉन्सियस। टेकिंग हीड, एस डब्ल डी, हीड का क्या होता है? केयरफुल रहना, ध्यान रखना, और केयर बींग कॉन्सियस मतलब कोई व्यक्ति सावधान है, सचेत है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है माइंडफुल, माइंड लेस, माइंड सेट, माइंड रेड। ये तो मैं फ्रेंड्स बोलूंगा बहुत ही जी। माइंडफुल क्या होता है? सचेत, माइंड लेस, जिसको आप वैसे ही समझ सकते हो कि क्या माइंडलेस पर्सन है, अपन बोलते हैं माइंडलेस व्यक्ति है। माइंड लेस मीन्स है ही नहीं, तो माइंडलेस क्या हो गया? बुद्धिहीन व्यक्ति। और माइंड सेट, माइंड सेट तो हम अक्सर यूज करते हैं कि उसका माइंड सेट बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है पर उसका माइंड सेट बहुत अच्छा है, मतलब उसकी चीजें फिक्स हैं कि उसको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ऐसी चीज इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसकी मानसिकता, उस व्यक्ति की मानसिकता बहुत अच्छी है। फोर्थ वर्ड है इसके अंदर है वो माइंड रेड। माइंड रेड तो ऐसा सच कोई वर्ड भी नहीं है। माइंड रीड क्या होता है? कि किसी का दिमाग पढ़ना।
कोई एज इट इज कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, माइंडफुल। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं और कीट होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सेकंड है एनाटॉमी, तीसरा है जूलॉजी, फोर्थ है एनिमोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटोमोलॉजी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो लॉजी रूट वर्ड से एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है वोकैबुलरी सीरीज के अंदर, उसमें ये सारे वर्ड्स मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपने ये मेरा रूट वर्ड का वीडियो देखा होता तो आपको ये क्वेश्चन तो गलत होने की गुंजाइश ही नहीं थी। इस वीडियो को मैं आई बटन पे इंक्लूड कर रहा हूँ, आप जरूर देखें। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं रूट वर्ड्स में, एंटोमो प्लस लॉजी। लॉजी हमें पता है कि क्या होता है, साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। एंटोमो जहां भी हमें दिख जाए तो उसका मीनिंग होता है इंसेक्ट से रिलेटेड, कोई भी इंसेक्ट होता है हर टाइप का, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको बोलते हैं एंटोमो। तो एंटोमोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, जो भी कीट हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको बोले एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति MBBS कर रहा है तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है कि एनाटॉमी, हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट, कि ह्यूमंस हैं, एनिमल है, प्लांट्स, इन सब की जो साइंटिफिक स्टडी है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की। जैसे ये व्यक्ति है, उस ऊपर सर होता है, सर में ब्रेन होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें पोस्टीरियर लोब होता है, फ्रंट लोब होता है, फिर यहाँ पे उसका हार्ट होता है, हार्ट में इतने वाल्व्स होते हैं, ये सब जो पढ़ेगा पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसको एनाटॉमी बोलते हैं। हिंदी में आप इसको याद रखिए, एनाटॉमी क्या होती है, शरीर की रचना की विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वो होती है एनाटॉमी। तीसरा जूलॉजी, जूलॉजी के हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जू मीन्स एनिमल या लिविंग बींग्स, लॉजी हमें पता ही है। तो जूलॉजी क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर, जो एनिमल्स हैं उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी और उनका आपस में कैसे बिहेवियर है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है जीव विज्ञान। जैसे कि आप देख सकते हो कि जूलॉजी है, जूलॉजी में अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे अभी मैंने आपको बताया। आप मेरा लॉजी सब रूट वर्ड वाला वीडियो देखो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ओर्निथोलॉजी, वहाँ पे मैंने बताया था ओर्निथो मीन्स बर्ड, ओर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड। जूलॉजी का सब पार्ट है एंटोमोलॉजी, एंटो क्या होता है, एंटोमो मैंने अभी बताया था कि इंसेक्ट्स होते हैं, तो एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऐसे सो एंड सो फोर्थ। मेमोलॉजी क्या होती है, मेमल्स की स्टडी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोलॉजी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है अगर आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप इसको देखोगे तो एक एनेमोमीटर होता है साइंस में पढ़ा हुआ, कि आप एनेमोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या चीज मेजर करने के लिए काम होता है। तो एनेमो रूट वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है उसका मीनिंग होता है विंड, हवा। एनेमो मीन्स विंड, लॉजी हमें पता ही है। तो एनिमोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द विंड्स, कि हवा का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारी हवा का मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है, फिर विंड एनर्जी हम फिर कहाँ से जनरेट कर पाते हैं, तो इन सब चीज़ों को, फिर ये मौसम से भी रिलेटेड है, तो इन सब को बोलते हैं एनिमोलॉजी। आपने जैसे स्पेक्ट्रोग्राफ से याद करो कि एनिमोलॉजी में क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, तो ये क्या होता है कि ये जो तीन जो कप टाइप के हैं तो ये हवा के हिसाब से रोटेट होते हैं, और ये एरो दिखाता है कि भाई हवा इधर से चल रही है और इधर को जा रही है, कौन सी दिशा से और कौन सी दिशा की तरफ हवा जा रही है। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो एनिमोलॉजी क्या होता है, वायु विज्ञान। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, एनाटॉमी तो शरीर की रचना की विज्ञान होती है, जूलॉजी जीव विज्ञान होता है, एनिमोलॉजी क्या होता है, वायु विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, एकदम ईमानदार होने की और स्ट्रॉन्ग नैतिक प्रिंसिपल्स रखने की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पहला स्टकअप, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है अपटाइट, फोर्थ है रेडिक्यूल। तो स्टकअप क्या होता है, स्टकअप मीन्स घमंडी, ही इज स्टकअप पर्सन, मतलब वो बंदा घमंडी है, वो बंदा किसी की नहीं सुनता है, अपने को ज्यादा तवज्जो देता है। इंटीग्रिटी क्या होती है, अखंडता। अखंडता क्या होती है कि कोई व्यक्ति जिसका व्यवहार हमेशा ईमानदारी से भरा ही रहता है, वो कोई गलत काम नहीं करता है, तो वो होती है इंटीग्रिटी, हमेशा ऑनेस्ट रहता है। तीसरा होता है अपटाइट। अपटाइट क्या होता है, एंग्सियस एंड और एंग्री अबाउट समथिंग, घबराहट में और तनावग्रस्त।
कि कोई व्यक्ति जो हमेशा घबराहट और तनावग्रस्त में होता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, या कभी किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति इसी सिचुएशन में आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपटाइट पर्सन। वाई आर यू बींग सो अपटाइट, तुम इतने घबराहट में या तनाव में क्यों लग रहे हो। फोर्थ पर्सन है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल हमने सुना होगा कि रिडिक्यूलस वर्ड बनता है, रिडिक्यूल से बनता है, तो हम बोलते हैं कि डोंट रिडिक्यूल हिम, इस बंदे का मजाक मत बनाओ, उसका उपहास नहीं करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स। अगेन फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बोला था कि ग्राफी रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है, कलाकार। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आर्टिस्ट कलाकार कोई भी कला का दिखाता है, कोई म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, तो उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कार्टोग्राफर। अगेन मैं यहाँ पे जो रूट वर्ड ग्राफिक से जो भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आई बटन में। ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, जरूर देखें। तो कार्टो मीन्स रिलेटेड टू मैप्स, कार्टो वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए इसका मतलब होता है मैप से जुड़ी हुई है वो वर्ड। ग्राफी मीन्स टाइप ऑफ आर्ट और साइंस। तो कार्टोग्राफी क्या होता है, साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग मैप्स, ऐसी साइंस जिसमें हम मैप्स को बनाते हैं, जो पूरी दुनिया के मैप्स बनाते हैं। फिर हम बताएंगे हम अलग अलग तरीके से मैप्स बनाते हैं, जैसे भी गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है उस हिसाब से मैप बने होते हैं। तो ये क्या होती है, कार्टोग्राफी। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, मानचित्र कला। नेक्स्ट वर्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम कैसे रूट वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, जियो। जियो रूट वर्ड हमें भी दिख जाए उसका मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड कोई वर्ड है, जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, जियोइड हो गया, तो उसको हम जियो बोलते हैं। ग्राफी हमें पता ही है। तो ज्योग्राफी का मीनिंग क्या हो गया, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ होगी उसके फिजिकल फीचर्स की स्टडी हम किस में करते हैं, ज्योग्राफी में, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, भूगोल। तो अब हमें इसका करेक्ट आंसर मिल गया, क्या होता है, द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, ऑब्वियसली ज्योग्राफर। अच्छा, स्कल्प्टर मैंने नहीं बताया कि स्कल्प्टर क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। स्कल्प्टर कौन होता है, मूर्तिकार। स्कल्प्चर बनाता है, स्कल्प्चर क्या होती है, मूर्तियां। स्कल्प्टर कौन होता है, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं बोलूंगा बहुत आसान है, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तो आपको गलत करना ही नहीं है। तो ओनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, किसी ने व्यक्ति ने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, कोई ख्याति प्राप्त की, उसके लिए उसको क्या ओनर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्ले कार्ड, लोरेल, पार्टी और गिफ्ट। पहला क्या, प्ले कार्ड। प्ले कार्ड क्या होता है, प्ले कार्ड देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहीं प्रदर्शन कराए, कुछ कराए, तो ऐसा एक स्टिक ले रखा है, उसके ऊपर बोर्ड लगा रखा है, उसको हाथ में पकड़ के दिखाते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इनको प्ले कार्ड बोलते हैं, इन बोर्ड्स को। तो प्ले कार्ड तो यहाँ रिलेवेंट ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, लोरेल। लोरेल क्या होता है, ऑनर एंड प्रेज गिवन टू समबडी बिकॉज ऑफ समथिंग दैट दे हैव अचीव्ड। किसी व्यक्ति को आदर दिया गया हो, प्रशंसा दी गई हो, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो इसको बोलते हैं लोरेल। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। हिंदी में तीसरा पार्टी। पार्टी दे रहे हैं, कमोल, एक ऑफिशियल एग्जाम है, पार्टी जैसा ऑप्शन तो उनको देना भी नहीं चाहिए, और आपको अगर गलती से पार्टी सही करे हो तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। गिफ्ट, गिफ्ट भी हमें पता ही, गिफ्ट क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोरेल। नाउ ये भी बहुत अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो क्या बोलते हैं, अपन जैसे यूजली बोल देते हैं कि मर्डर बोलते हैं, तो वो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, कोई वो नहीं है। तो ऑप्शन है होमिसाइड, डेमोसाइड, जेनोसाइड एंड यूथनेशिया। अभी होमिसाइड पढ़ते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी सीरीज मैंने साइड रूट वर्ड में कवर कर रखी है। जहाँ पे भी रूट वर्ड साइड आता है, CID, तो साइड का मतलब क्या होता है, टू किल समवन होता है। तो इस वीडियो को भी मैं आई बटन पर इंक्लूड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो होमिसाइड में कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको रूट वर्ड्स में, होमो, होमो मीन्स मैन, और साइड मीन्स टू किल समवन। तो होमिसाइड क्या होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर पर्सन स्पेशली व्हेन इट इज ए क्राइम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे तो उसको हम बोलेंगे होमिसाइड। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हॉलीवुड मूवीज में बोलते हैं कि दिस इज होमिसाइड डिपार्टमेंट, अगर कहीं पे होमिसाइड हो गया है तो हम लोग देखेंगे। तो होमिसाइड क्या होता है, मर्डर। मर्डर को ही होमिसाइड बोलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हो कि ये फॉरेंसिक से चेक कर रहे हैं होमिसाइड सीन को। हिंदी में इसको बोलते हैं मानव हत्या। दूसरा वर्ड क्या है, जीनोसाइड। इसको कैसे रूट वर्ड से ब्रेक करना है, जीनो मीन्स ट्राइब, एक कबीले से रिलेटेड वर्ड होता है उसको बोलते हैं जीनोसाइड। हमने देख लिया टू किल समवन। तो जीनोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप। एक ही समुदाय के, एक ही कबीले के बहुत सारे लोगों को या फिर एक ही देश के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना जीनोसाइड कहलाता है। जैसे आप देख रहे हो कि इस कैंप में बहुत सारे लोगों को
मौत के घाट उतार दिया गया है। हिंदी में इसको बोलते हैं नरसंहार। यूथनेशिया, यूथनेशिया तो आजकल बड़ी न्यूज में है। यूथनेशिया क्या होता है? मर्सी के लिए, कि कोई व्यक्ति है जो ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है, उसका जीवन नहीं होने के बराबर ही है, तो वो व्यक्ति अगर चाहता है कि मुझे अपना जीवन अंत करना है, ऐसे जी के मुझे कोई फायदा नहीं है, तो उसको कोई भी इंजेक्शन हो गया जहरीला, या फिर जो मतलब डॉक्टर से अप्रूव्ड एक कैलिब्रेटेड मात्रा में देके उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसको बोलते हैं यूथनेशिया। और ये कब हो पाती है? जब वो जो पेशेंट होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, खुद लिख के देते हैं कि भाई हमें ये करना है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा मृत्यु। हमें मरने की इच्छा है, हमें यूथनेशिया दे दिया जाए। तो आपने देखा, थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की और ऐश्वर्या राय की, वो यूथनेशिया पे ही बनी हुई थी। और इंडिया में अभी क्या है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप मुझे वो बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन से दो प्रकार के यूथनेशिया होते हैं और इंडिया में कौन सा अलाउड है और कौन सा नहीं अलाउड है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोसाइट। अब फ्रेंड्स, अब ये देखिए, डेमोसाइट क्या है कि बहुत ही नया वर्ड है और ये ऐसे एग्जाम में ऑप्शंस पे दिया जा रहा है, मतलब आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आप इसको हल्के में तो ले नहीं सकते। तो डेमोसाइट का क्या मीनिंग होता है? जैसे डेमोक्रेसी हो गया, डेमो मीन्स लोग, साइड मीन्स हत्या, तो ये कब यूज होगा? द इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन अनआर्म्ड और डिसआर्म्ड पर्सन बाई गवर्नमेंट एजेंट्स एक्टिंग इन देयर अथॉरिटेटिव कैपेसिटी एंड पर्सुएंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसमें मत जाइए, मैं बताता हूँ, वो सुनिए। अगर कहीं की सरकार अपने ही किसी नागरिक को मारने की, जो एकदम निहत्ता हो, जिसके पास कोई हथियार नहीं, उसको मारने की परमिशन देती है, उसको डेमोसाइड बोलते हैं। होमिसाइड क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है। डेमोसाइड क्या होते हैं? एक सरकार अपनी आर्मी को बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जाके मार दो जिसके पास, जिसे, या फिर पांच लोगों को जाके मारो जिनके पास हथियार नहीं हो, कोई शांति प्रिय कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वो डेमोसाइड कहलाता है। तो अपना किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर, डेमोसाइड तो देख लिया, नहीं होगा। जीनोसाइड क्या होता है? पूरे ट्राइब को खत्म करना। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। आंसर क्या होगा? होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स। ऐसा कोई काम, ऑफेंस या अपराध, जिसमें भगवान या जो अपने जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में निंदापूर्वक बात करना। सेक्रिलेज क्या होता है? निंदापूर्वक बात करना, उसको हम क्या बोल लेंगे? ऑप्शन पहला है कंटेमिनेशन, दूसरा है इररिवरेंस, तीसरा है ब्लास्फेमी, चौथा है प्रिनंसिएशन। ये भी मैं बोलूंगा कि ये एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, इसके जो चारों ऑप्शन है ये आपको आने ही चाहिए और ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने मेरी ये जो सीरीज आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंटेमिनेशन क्या होता है? हम अक्सर बोलते हैं कि ये चीज़ कंटेमिनेट हो गई, या फिर फूड कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं? दूषण। प्रदूषण में दूषण वर्ड से ही बनता है। तो अगर जैसे साफ पानी का कंटेमिनेशन हो गया, अगर साफ पानी जा रहा है उसमें कहीं से नाली का पानी मिल गया, अगर कोई जा रहा है झील से जा रहा है, किसी ने कोई फैक्ट्री वाले ने उसमें गंदा एफ्लुएंट छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? कंटेमिनेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटेमिनेशन। ऐसी के साथ कोई खाना होता है, खाने के पदार्थ होते हैं, वो उसका भी कंटेमिनेशन हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दूषण, या जो चीज़ खराब हो गई हो, कंटेमिनेट हो गई हो। सेकेंड वर्ड क्या है? इर रिवरेंस। अब ये वर्ड किससे बना है? रिवर से बना है, आर ई वी ई आर ई। तो रिवर, रिवर्ड क्या बनता है? आर ई वी ई डबल आर ई डी। रिवर वर्ड जहां भी आपको दिखे, रिवर, तो इसका मीनिंग होता है आदर करना, सम्मान करना। तो रिवरेंस क्या होता है? किसी की आदर करने की को बोलते हैं हम रिवरेंस। अब यहाँ पे इर लग गया, आई आर ओल्ड लग गया, तो इर रिवरेंस का आई आर मीन्स फिर नेगेटिव बन जाएगा। इर रिवरेंस क्या हो गया? अनादर, किसी चीज का अनादर करते हैं उसको इर रिवरेंस बोलते हैं। फोर्थ, तीसरा क्या है? ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी एक क्या है? इर रिवरेंस तो किसके लिए यूज होता है? हम किसी का भी अनादर कर रहे हैं, जरूरी नहीं भगवान का, किसी भी व्यक्ति का कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कर रहे हैं, किसी भी नेता का कर रहे हैं, तो वो होगी इर रिवरेंस। ब्लास्फेमी एक पर्टिकुलर वर्ड है। ब्लास्फेमी में हम क्या करते हैं कि ईश्वर की निंदा करते हैं। कई लोग जो धर्म के खिलाफ होते हैं, ईश्वर के अगेंस्ट बोलते हैं, या फिर जो धर्म की जो जैसे भगवद गीता है या फिर कुरान है उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, वो ब्लास्फेमी है। वो रिनाउंसिएशन क्या होता है? ये तो आपको जरूर पता ही होगा, रिनाउंस वर्ड से बना हुआ है, रिनाउंस करना, कि किंग है उसने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया, रिनाउंस कर दिया, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी कि अब कोई और राजा बन जाओ, मुझे राजा बने रहने का कोई शौक नहीं है। तो इससे रिनाउंस से बना है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मीनिंग त्याग, किसी चीज़ का
अपनी मर्जी से त्याग कर देना, वो होता है रिनन्सिएशन। अब बताइए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो आपको कहाँ टफ लग रहा है, तो इसलिए इसके अंदर आपको मेहनत की ही जरूरत है। और आप मेरे वीडियोज देखिए, आपका काम है वीडियो देखना और उसको याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप तो वीडियो को एंड टू एंड देखिए, एक बार नहीं दो बार देखें। अगर आपको लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ा है तो 2x पे देखिए, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो आपको कहीं नहीं जाएंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूरे होते ही अपन PDMs की सीरीज लेके आएंगे, उसके बाद वन वर्ड वोकेबलरी के एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लेके आएंगे। थर्ड 60-70% जो अपना काम है इंग्लिश के अंदर वो वोकेबलरी से ही होता है। ग्रामर वगैरह के रूल्स तो 30 पार्ट्स में उतने में आते हैं, और जो वोकेबलरी का जो पार्ट होता है 60-70% वेटेज होता है, इसमें से 90% हर साल रिपीट होता है। पिछले 5 साल के अगर आप सब कुछ कवर करके जाएंगे वोकेबलरी और सब कुछ, तो 90% काम बन गया आपका। इसलिए आप इन वीडियोज को डेली देखते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ब्लास्फेमी होगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? ट्रीट विथ ए वैक्सीन यूजली बाई इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिजीज। किसी को कोई टीका लगाना या फिर इंजेक्शन लगाना ताकि किसी बीमारी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस व्यक्ति में बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इनुएंडो, इनोकुलेट, इनुमरेट और इनोवेट। अगेन मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन ऑप्शन अच्छे से नहीं फ्रेम किए हुए, इन दो का तो आपको पता ही है, इन दो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हो तो दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो इनुएंडो क्या होता है? एन इनडायरेक्ट रिमार्क अबाउट समबडी समथिंग, यूजुअली सजेस्टिंग समथिंग बैड और रूड। द यूज ऑफ रिमार्क्स लाइक दिस, कि किसी व्यक्ति के बारे में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिमार्क करना, किसी पे तंज कसना किसी चीज के बारे में जो या तो रूड होती है, पोलाइट नहीं होती है, तो उसको इनुएंडो बोलते हैं। मजाक मजाक में अपने किसी बात को, उसको सीधा नहीं बोला, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेके उसमें कोई तंज कस दिया, तो उसको बोलते हैं इनुएंडो। व्यक्ति, हिंदी में बोलेंगे व्यक्ति या वस्तु के विषय में परोक्ष टिप्पणी, प्राय अनुचित प्रकार की या फिर कटाक्ष या व्यंग्य, इसको बोलते हैं इनुएंडो। इनुएंडो मतलब कटाक्ष व्यंग्य किसी पर। दूसरी तरफ इनोकुलेट, इनोकुलेट हमें याद ही रखना है, इनोकुलेट मतलब टीका लगाना। टीका लगाने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन हम यूजुअल भाषा में वो यूज करते हैं, इसका थोड़ा सा हाई प्रोफाइल वर्ड क्या हो गया? इनोकुलेट। तो इनोकुलेट हमें याद रखना है, क्या होता है? टीका लगाते हैं। वैक्सीनेशन को बोलते हैं इनोकुलेट, इनोकुलेशन। वैक्सीनेशन ड्राइव, इनोकुलेशन ड्राइव। थर्ड वर्ड है इनुमरेट। इनुमरेट तो अपन वैसे ही कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर लो, IN प्लस नुमरेट। नुमरेट क्या होता है? NUMERATE। नुमरेट क्या होता है? नंबर से बना हुआ है। इनुमरेट क्या होगा? विदाउट ए बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड अरिथमेटिक, जिसको बेसिक मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक का नॉलेज नहीं है उसको इनुमरेट बोलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को इनुमरेट होता है एक वर्ड ENUMERATE, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो ई से स्टार्ट होता है या आई से स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ वर्ड है इनोवेट, INNOVATE। अब ये तो आपको वैसे पता है आजकल इनोवेशन का जमाना चल रहा है, वो भी इनोवेट से बना हुआ है। तो इनोवेट क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, आइडियाज और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इनोवेशन भी बोलते हैं ना, इनोवेशन है कुछ इनोवेशन लेके आओ, अपने आंसर राइटिंग के तरीके में इनोवेशन लेके आओ, तो उसका क्या मीनिंग होगा? या तो कोई नई चीज लेके आना जो पहले से बनी नहीं हो, या फिर कोई नया आइडिया लेके आना, या फिर वेज ऑफ डूइंग थिंग, या फिर कोई चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम इस तरीके से करते हैं पर उसमें हमें कोई ज्यादा पैसा या ज्यादा समय लगता है, तो उसको एक दूसरे तरीके से करना है जिसमें समय की भी बचत हो, पैसे की भी बचत हो, उसको हम बोलते हैं इनोवेट, नया तरीका। तो इसका आंसर क्या होगा? इनोकुलेट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन हु नोज ऑल थिंग्स, ओमनिसिएंट, ओमनिपोटेंट, ओलिगार्की एंड ऑस्ट्रासाइज। देखते हैं ओमनिसिएंट। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आपने ओमनी रूट वर्ड की मेरी ये सीरीज देखी होगी तो आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे तरीके से रूट वर्ड से वीडियोज बना रखे हैं कि जितने सारी जो ये वीडियोज आ रहे हैं आधे से ज्यादा तो मेरे में ओम रूट वर्ड से कवर ही हो रहे हैं आपको। तो ओमनिसिएंट को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? ओमनी, ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल। जहां पे भी वर्ड ओमनी आएगा, ओमनी हमेशा प्रीफिक्स में ही आएगा, तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। साइंट, SCIENT। आप साइंस पढ़ते हो, साइंस कहाँ से बना है? SCIENT, साइंट रूट वर्ड से बना है। तो साइंट का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। तो ओमनिसिएंट क्या होगा? ऐसा व्यक्ति, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब जानता है वो होता है ओमनिसिएंट। हिंदी में इसको बोलेंगे सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर आपने जो फेमस वेब सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखी हो
तो उसमें आपको पता होगा कि जो ये व्यक्ति है, जो ये होते हैं, ये जो भी पास में कोई भी एक्शन हुआ है उसको देख सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञानी, या फिर ओमनीसेंट हम हिंदू मैथोलॉजी, बाकी में हम यूजली भगवान के लिए रिफर करते हैं कि भगवान है जो सब जानता है। दूसरा ओमनीपोटेंट, अगेन ओमनी रूट वर्ड, ओमनी का मीन्स ऑल, पोटेंट मीन्स पावरफुल। तो ओमनीपोटेंट क्या होगा, वन हु इज ऑल पावरफुल या हैविंग टोटल पावर और एबल टू डू एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी ताकतें हैं, जो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं इस दुनिया में जो वो नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। जैसे हिंदी मैथोलॉजी में अपने भगवान विष्णु भगवान जो सब पावरफुल हैं, सब कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट। हिंदी से याद रखिए क्या है, सर्वशक्तिमान, ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियां हैं उसके अंदर। तीसरा वर्ड क्या है, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, कि सरकार का, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ लोग, गिने चुने 5-10-15 लोगों के पास ही सारी पावर होती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। अब जब आपने याद आ रहा होगा तो आप मेरी क्रेसी की सीरीज में, या फिर आपने जो इससे पिछला वीडियो है उसमें देखोगे, तो आपने मोनार्क या मोनार्की का हमने मीनिंग देखा था कि मोनार्की क्या होती है। तो मोनार्की क्या होती है, एक ही व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट, वो वहां का राजा या रानी होती है, तो वो हो गया मोनार्की। ओलिगार्की कैसे डिफरेंट है, भी यहाँ पे कुछ लोग, वहां पे एक ही व्यक्ति राज करता है, यहाँ पे कुछ लोग राज करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। हिंदी में इसका मीनिंग कैसे क्या है, कुलीन तंत्र। ये जरूर आपने हिंदी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुलीन तंत्र होता है, कुछ लोग मिलके पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रासाइज, और इसमें कुछ जगह स्पेलिंग इसकी OSTRACIZED ये रहती है। ऑस्ट्रासाइज क्या रहता है, टू रिफ्यूज टू लेट समबडी बी ए मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप, टू रिफ्यूज टू मीट और टॉक टू समबडी, कि किसी भी व्यक्ति को अपना जो सोशल ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, तो उसमें शामिल नहीं होने देना, उससे निकाल देना, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं जाति से बाहर करना। अगर आपने गाँव के बारे में पढ़ा होगा कि किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया, तो मतलब अब वो हमसे जुड़े हुए लोग नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज करना, जाति से बाहर निकालना। तो ऑब्वियसली वन हु नोज ऑल थिंग्स क्या होगा, ओमनीपोटेंट होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, सर्वशक्तिमान। ओलिगार्ची होगा नहीं, ओलिगार्ची क्या होता है, कुलीन तंत्र होता है। ऑस्ट्रासाइज क्या होता है, किसी को जाति से बाहर निकालना। ओमनीसेंट क्या होता है, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिप क्या होता है, भगवान की पूजा करना। तो जो भगवान की पूजा करते हैं उनका जो ग्रुप होता है, लोग होते हैं बहुत सारे, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है पोसे, सेकंड है कैरावान, थर्ड है कॉन्स्टेलेशन, फोर्थ है कॉन्ग्रीगेशन। अब ये भी मैं बोलूंगा बहुत टफ नहीं है। तो पोसे क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन सम वे और हु स्पेंड टाइम टुगेदर, कि व्यक्तियों का एक ग्रुप जो एक जैसे हैं, या तो सारे डांसर हो गए, या सारे एक तरह से मस्ती करने वाले लोग हो गए, जो एक साथ टाइम गुजारते हैं, एक साथ देखे जाते हैं, उसको बोले पोसे। हिंदी में बोलते हैं दल, जैसे ये व्यक्ति हैं, एक जैसे ड्रेस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पोसे। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, कैरावान, ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ व्हीकल्स और एनिमल्स हु आर ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली अक्रॉस द डेजर्ट। कैरावान क्या होता है, कि पहले कैरावान किसके लिए बोलते थे, कि बहुत सारे लोग रहते हैं, कबीले में लोग रहते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो खुद लोग चले गए, ऊंट गाड़ी या फिर उनके पास जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें उनका सारा सामान जा रहा है, तो वो सब चलते थे, उसको बोलते कारवान बोलते हैं। अब हिंदी इसको वापस आते टाइम किस लिए बोलते हैं, कि आजकल सिंस वो तो रहा नहीं, तो ये जैसे लोग हैं, ये कहीं पे शरण ले रखे हैं, फिर ये सभी लोग उठ के यहाँ से जा रहे हैं, ट्रक्स में अपना सामान लेके जा रहे हैं, खुद ही गाड़ियां लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैरावान। हिंदी में इसको कारवा बोलते हैं, और इसका हिंदी में लिंग क्या होता है, कारवा या काफिला। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन आपने पढ़ा होगा कि ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, कि तारों का एक समूह है जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है, पर्टिकुलर आकृति बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नक्षत्र या तारों का समूह। नक्षत्र से तो आप याद ही हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि जैसे अपन सोचते हैं कि ध्रुव तारा कौन सा है, या फिर कौन से नक्षत्र में वो आता है, द पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, तो ऐसे जो समूह हो गए इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। जैसे सेजिटेरियस हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, हिंदी में अपने खुद के वर्ड हैं इनके, कॉन्स्टिलेशन के, नक्षत्रों के। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन मैंने याद हो जाए आपको, इसलिए पिक्टोग्राफ को इंक्लूड किया है। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कि ऐसे वर्शिपर्स जो सारे, जैसे ये लोग हैं, ये सही धर्म के लोग हैं, तो चर्च में एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनको कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। अगर हिंदू मंदिर होता तो
तो उस मंदिर के सामने सारे लोग भक्तजन इकट्ठे हो रखे हैं, या बैठे हैं, या खड़े हैं, या पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो ऐसे सब लोगों को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक सभा। तो इसका आंसर क्या होगा? फोसे कैरावान हो नहीं सकता, कॉन्स्टेलेशन भी हो नहीं सकता, आंसर क्या होगा? कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई, कोई ऐसा व्यक्ति जो साई मीन्स शर्मिला हो, रिजर्व मीन्स जो अपनी बातों को, अपने विचारों को खुद तक ही रखता है, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है। अपने ऑप्शन है सोशियल, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, तीसरा है रिसेसिव, चौथा है इंट्रोवर्ट। तो देखते हैं सोशल, हम यूजली बोलते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सोशल है, तो उसको हम क्या, उसका क्या मीनिंग होता है? सामाजिक, कि वो व्यक्ति बहुत सामाजिक है, समाज में एक दूसरे लोगों के हर फंक्शन में आता है, लोगों से मिलता जुलता रहता है, तो वो हुआ सोशल व्यक्ति। दूसरी तरफ क्या होगा? एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, एक्सट्रो ई एक्स मतलब ई से रिलेटेड जो वर्ड है, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, मतलब जो अपनी फीलिंग्स को बाहर आने देता है। देखा होगा कि अपन बोलते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, कि कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो अपनी हर चीजों को शेयर कर देता है, उसकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो लोगों को पता नहीं होता, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तीसरा क्या होगा? रिसेसिव, जैसे अपने साइंस में पढ़ा होगा कि रिसेसिव एलील्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अप्रभावी, जिसका किसी पे कोई प्रभाव नहीं हो। इंट्रोवर्ट क्या हो गया? जो अपनी फीलिंग्स को इन ही रखता हो, इसको ऐसे याद कीजिए, इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपनी फीलिंग्स को इन ही रखे, अंदर ही रखे, अपने ही अंदर रखे, किसी से शेयर नहीं करे, तो उसको बोलेंगे अंतर्मुखी व्यक्ति। तो देखा जाए तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स है। तो समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई क्या होगा? ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस, कि ऐसा कोई नया डेवलपमेंट हुआ जो खुशी लेके आता है, या फिर कोई चीज हो गई जो खुश नुमा कोई चीज होगी अपने बारे में, तुक्के से हो गई, बाई चांस होगी, हमने कोई एफर्ट नहीं डाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है इंसिडेंट, सेकेंड है सडनली, तीसरा है सेरेंडिपिटी, फोर्थ है अकरेंस। तो इंसिडेंट क्या होता है? कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, तो यूजली ये क्या नेगेटिव टोन में ही यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? हादसा, कि उस व्यक्ति के साथ वो इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया। दूसरा हम क्या बोलते हैं? सडनली, तो सडनली किसे बना हुआ है? वर्ड सडन से, SUDDEN, सडन मतलब अचानक, तो सडनली मतलब कोई काम अचानक से हो गया, उसको सडनली बोलते हैं, तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। तीसरा क्या? ओकरेंस, अकरेंस क्या होती है? घटना, कि उसके साथ में ये अकरेंस हो गई, उसके साथ ये घटना घट गई, तो ओकरेंस मतलब घटना, इंसिडेंट मीन्स हादसा। ये फर्स्ट और फोर्थ कुछ कुछ एक एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। सेरेंडिपिटी क्या होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो ये आपको देख के लगेगा कि टफ है, लेकिन आप जब इस वर्ड को पढ़ोगे आप, अब इसमें आपको ये पता है कि इंसिडेंट का मीनिंग आपको पता है, सडनली का मीनिंग आपको पता है, अकरेंस का मीनिंग आपको पता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अगर सेरेंडिपिटी जैसे टफ वर्ड आपको मीनिंग नहीं आता, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दो, सेकंड इसका आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो, फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दो, तो बचता क्या है? तीन। तो इसमें आपको सेरेंडिपिटी का मीनिंग नहीं आता है तो भी आप इसको सही कर पाओगे। तो आपको एग्जाम में ऐसे तो यूज आपने दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप बाकी नॉर्मल तरीकों से आपको नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे, तो फिर सिलेक्शन लेना तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए पूरे पेपर को कैसे अप्रोच करना है, वो मैं एक डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो सेरेंडिपिटी क्या होती है? द फैक्ट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और प्लेजेंट हैपनिंग बाय चांस, कि कोई इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, कोई प्लेजेंट मतलब खुशनुमा चीज हो रही है, तुक्के से हो रही है, हमें कोई एफर्ट नहीं डाले, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। आकस्मिक लाभ वृद्धि, किसी चीज से अपने को आकस्मिक लाभ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, फिर भी मुझे कोई व्यक्ति मजबूत बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एंग्शियस, ट्रिगर्ड, सेफ और रिजिलिएंट। अब ये मैं बोलूंगा कि देखिए, अब ऑप्शन देखिए, सेफ का मीनिंग तो आप सबको पता है, सेफ मतलब क्या होता है? सुरक्षित, ये तो हो नहीं सकता। तो एंग्शियस क्या होता है? चिंतित, कि वो अपने रिजल्ट्स को लेके बहुत एंग्शियस है, कि उसने एग्जाम दे दी है पर रिजल्ट्स को लेके चिंतित है। चिंतित क्यों होगा? कि उसने शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, अगर उसने समय पे तैयारी की होती, अच्छे से पढ़ता, तो वो चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस होता कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है। ट्रिगर्ड क्या होता है? ट्रिगर, एक तो ट्रिगर होता है कि बंदूक का ट्रिगर, ट्रिगर को दबाते ही गोली चल जाएगी। दूसरी तरफ ट्रिगर्ड पर्सन,
ट्रिगर का मीनिंग आप ऐसे याद रखोगे, ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर दबाते गोली चलती है, गोली कैसे चलती है, फट से चलती है। तो ट्रिगर्ड पर्सन क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसको भर दिया किसी ने तो झट से अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, तो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं ट्रिगर्ड पर्सन। किसी को थोड़ा सा छेड़ा वो स्टार्ट हो गया। सेफ का मीनिंग हमें पता ही है। चौथा क्या है, रिजिलियंट। रिजिलियंट वर्ड आपने अक्सर अभी न्यूज में सुना हुआ कि रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसे मीनिंग हो रही है कि एबल टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लेजेंट सच एज शॉक इंजरी एटसेट्रा। कि कोई भी व्यक्ति उसको कोई चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या शोक मीन्स सदमा, कोई सदमा लग गया, उसके बाद में वो जल्दी से रिकवर हो जाए, तो इसको बोलते हैं रिजिलियंट। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ऐसी क्वालिटी जिससे उसके साथ कुछ गलत हुआ पर वो उसे जल्दी से उबर जाए, तो उसको बोलते हैं रिजिलियंट पर्सन। तो ऑप्शन टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, कई सारी दुविधा आती है फिर भी आदमी टिका रहता है, उनसे उबर जाता है, क्या होगा आंसर, रिजिलियंट। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन है कन्वोकेशन, फ्लॉक, हर्ड और होर्ड। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कन्वोकेशन, कन्वोकेशन सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में। क्या होता है, जहाँ पे आपकी डिग्री पूरी हो गई तो आपको ऐसी वेशभूषा पहननी पड़ती है, और आपको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया, फिर कोई भी VIP हो गया, गेस्ट ऑफ ऑनर हो गया, वो आके आपको डिग्री देता है, इसको बोलते हैं कन्वोकेशन सेरेमनी। ए लार्ज फॉर्मल मीटिंग स्पेशली ऑफ चर्च ऑफिशियल्स और मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। कि कोई भी यूनिवर्सिटी की कोई मीटिंग होगी ऐसी इंपॉर्टेंट, या कोई चर्च के मेंबर्स की होगी, इसको बोलते हैं कन्वोकेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दीक्षांत समारोह। कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह, खत्म। अब भूलोगे नहीं आप कभी इसको, कन्वोकेशन वर्ड आते ही आपको ये पिक्टोग्राफ हो रही है, दीक्षांत समारोह दिमाग में आना चाहिए। दूसरी तरफ फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ शीप, गोट्स और बर्ड्स ऑफ द सेम टाइप। भेड़ों का या फिर बकरियों का ग्रुप या फिर बर्ड्स का, हमने सुनते हैं कि फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगोज आर फ्लाइंग, मतलब फ्लेमिंगो नाम के जो बर्ड है उनका फ्लॉक उड़ रहा है। तो फ्लॉक क्या होता है, जानवरों या पक्षियों का समूह, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भेड़ बकरियां हैं, तो फ्लॉक हो गया इसका मीनिंग। ये तो बेसिक है, आप सातवीं आठवीं क्लास की इंग्लिश है, हर्ड, HERD। अब यहाँ पे इससे हर्ड, होर्ड, इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, आपको मीनिंग तो पता होगा। यहाँ पे आपका कोई प्रोनंसिएशन या कोई नहीं चेक करने वाला, आपको स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग क्या होती है। तो HERD जहां पे यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है झुंड, हर्ड मीन्स झुंड। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप दैट लिव एंड फिट टुगेदर, कि ऐसे जानवर का ग्रुप जो एक साथ ही रहता है और एक साथ ही खाना खाता है, ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड या फिर झुंड, जैसा कि आप पिक्टोग्राफ से देख सकते हो। तो देखा जाए तो फ्लॉक और हर्ड एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स है। और तीसरा क्या, होर्ड, HORDE। होर्ड का क्या मीनिंग होता है, ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो, उसको बोलते हैं होर्ड, HORDE, जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख रहे हो। ये क्या है, होर्ड, इसका आंसर क्या होगा, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होर्ड, HORDE। नेक्स्ट वन वर्ड है, व्हेन हर टीचर कॉल्स हर ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, शी लाफ्स एट हरसेल्फ। इसमें से हमने जो रेड वाले पर्सन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन वन है ओबीडियंट, ऑप्शन बी है रिफॉर्मेबल, ऑप्शन थ्री है इनकोरिजिबल, ऑप्शन फोर है मैनेजिएबल। ओबीडियंट क्या होता है, हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि वो बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट है। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जो जिसको कुछ आदेश देते हैं आज्ञा करते हैं वही बात मान लेते, तो ओबीडियंट आज्ञाकारी। कहीं पिक्टोग्राफ की जरूरत ही नहीं है, हर वर्ड में पिक्टोग्राफ तो बन भी नहीं सकता, ओबीडियंट आप बताइए क्या पिक्टोग्राफ बनेगा। दूसरा तरफ क्या है, रिफॉर्मेबल। अब रिफॉर्मेबल मैं हमेशा आपको शुरू से जोर देते आ रहा हूँ कि वर्ड्स को ब्रेक करना सीखे रूट वर्ड्स में, उससे आप समझ आओ। रिफॉर्मेबल को कैसे ब्रेक करोगे, रिफॉर्म प्लस एबल। रिफॉर्म क्या होता है, जिसमें सुधार, एबल मतलब लायक, तो रिफॉर्मेबल क्या होता है, सुधार के योग्य या सुधार के लायक। कोई व्यक्ति सुधार के लायक है तो रिफॉर्मेबल है, ठीक है। मैनेजिएबल क्या है, मैनेज प्लस एबल। मैनेज क्या कर सकते हैं, किसी चीज को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं, एबल मतलब लायक, तो कोई चीज नियंत्रणीय है जिसको मैनेज कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं, मैनेजिएबल हो गया। कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो आ गई मेरे सामने पर मैनेजिएबल थी, मैंने उसको मैनेज कर लिया, उस पर नियंत्रण पा लिया, ठीक है। अब इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल को भी आप रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन मतलब नेगेटिव, कोरिजिबल मतलब जिसे हम कोरिजेंडम इश्यू करते हैं, कोरिजेंडम क्या होता है, शुद्धि पत्र, तो किसी चीज को सुधार देते हैं तो क्या होता है, कोरिजिबल। इनकोरिजिबल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको सुधार ही नहीं सकते, इनकोरिजिबल। मीनिंग क्या होता है, हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड।
किसी व्यक्ति में इतनी ज्यादा बुरी आदतें होती है कि उनको न तो बदला जा सकता है या न सुधारा जा सकता, इनकोरिजिबल। हिंदी में इसको बोलते हैं असुधार्य, जो सुधार के लायक नहीं, जो सुधार कर ही नहीं सकते। जैसा कि आप पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि अक्सर बच्चे हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, पेट एनिमल्स हो गए, उसके लिए हम इनकोरिजिबल यूज करते हैं, क्योंकि वो तुझसे तानी करते हैं तो करते ही है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये सब कुछ फैला देता है, तो इनकोरिजिबल है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकोरिजिबल। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कि कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के समय में जी रहा है। 1500 साल के अंदर कोई व्यक्ति जी रहा था, तो उसके साथ में और कौन व्यक्ति जी रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है कंटेम्प्रेरी, सेकेंड है कोक्वेट, तीसरा है कॉस्मोपोलिटन, फोर्थ है कॉनोइसर। अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो वर्ड है ये भी अक्सर एसएससी का फेवरेट है, ये इसमें भी नहीं सीजीएल के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। तो और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो एक चीज हमेशा याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, टफ उसको बनाते हैं उसके ऑप्शंस। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आसान सा होता है लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने पास पास के दिए होते हैं जिनमें थोड़ा सा फर्क होता है तो गलत कर पाते हैं। अब जैसे इसके अंदर तो आप कुछ है ही नहीं, सब अलग अलग, चारों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, तो अगर आपको आता है तो आपके लिए मतलब ये तो 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। तो कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी क्या होता है? आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो किताबें की सीरीज आती है उसमें 11वीं 12वीं क्लास में बुक आती है कंटेम्प्रेरी इंडिया, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समकालीन भारत, मीन्स आज के दिन का भारत। जैसे दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी, मतलब जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, वो दोनों एक साथ में ही एक ही समय पे जिए थे, तो उनको क्या बोलेंगे? कंटेम्प्रेरी। दूसरा वर्ड क्या हो गया? कोक्वेट। कोक्वेट तो आपको याद ही रखना है। कोक्वेट क्या होता है कि अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली स्त्री, कोई भी स्त्री जो अपनी सौंदर्य को, अपनी ब्यूटी को यूज करती है पुरुषों को लुभाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कोक्वेट। हिंदी में जैसे मोहिनी बोलते हैं, इसको अप्सरा बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोक्वेट। तीसरा क्या होता है? कॉस्मोपोलिटन। अभी कॉस्मोपोलिटन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई जगह आएगा, इसको भी आप याद ही कर लीजिए। कॉस्मोपोलिटन किससे बना हुआ है? कॉस्मोस से। कॉस्मोस क्या होता है? पूरा विश्व, पोलिटन मतलब झांक कर रहने वाला, तो कॉस्मोपोलिटन क्या है? समस्त संसार का, ऐसा व्यक्ति जो अपन पूरे संसार को अपना घर मानता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन। जैसे अभी G20 समिट के अंदर अपने इंडिया की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब समस्त संसार मेरा घर है, तो वो क्या हो गया? कॉस्मोपोलिटन। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? कोनोइसर। कोनोइसर क्या होता है? अब इसका भी कोई रूट वर्ड नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसकी स्पेलिंग भी याद रखिए कि इसमें डबल एन आता है, डबल एस आता है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स में भी पूछ सकते हैं कि भी इनकरेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। कोनोइसर क्या होता है? आपने देखा होगा कि हीरा होता है, हीरा, तो हीरा का पार्क ही होता है, तो उसको कोनोइसर बोलेंगे, क्योंकि वो उसको एकदम उस कला में पारंगत है कि हीरे को कैसे चेक करना है कि ये कितना महंगा हीरा है। दूसरा क्या? कोई कला है, आर्ट है, पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग्स मॉडर्न आर्ट किसी हर किसी को समझ में नहीं आती, तो पेंटिंग्स का जो माहिर है, माहिर व्यक्ति, उसको बोलते हैं हम कोनोइसर। तीसरा किसी चीज का विशेषज्ञ, या फिर चौथा आजकल हम देखते हैं कि जितने सारे जो शो जा रहे हैं टीवी पे अलग अलग टाइप का सेफ खाना बना रहे हैं, तो उसको जो खाना खा के चखे बताता है कि नहीं भाई खाना बहुत अच्छा है, उसको भी बोलेंगे कोनोइसर। तो कोनोइसर क्या होगा? विशेषज्ञ, पार्क या माहिर व्यक्ति, स्पेशली आर्ट या पेंटिंग से यूज होता है, खाने से यूज होता है। तो पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम क्या होगा? कंटेम्प्ररी। अब वन हु बिलीव्स इन हिज फेट। अब सबसे पहले तो आपका फेट का मीनिंग आना चाहिए, इसका नहीं आएगा तो आप वैसे ही सही नहीं कर पाओगे। फेट क्या होता है? भाग्य। तो ऑप्शंस क्या है? फेटलिस्ट, फास्टिडियस, फ्यूजिटिव और फेनेटिक। अब फेटलिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जो भी कार्य होते हैं, इवेंट होती हैं, घटनाएं होती हैं उसके जीवन में, वो उसके भाग्य के द्वारा निर्धारित होती हैं और उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जो कुछ होना है भविष्य में पहले से लिखा हुआ है, नियति में भरोसा करता है, तो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। हिंदी में ऐसे व्यक्ति बोलते हैं भाग्यवादी, कि जो भाग्य में लिखा है मिलेगा। तो क्या होता है फेटलिस्ट? भाग्य पे विश्वास करने वाला होता है फेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? फास्टिडियस। अब ये भी थोड़ा सा टिपिकल है फास्टिडियस, लेकिन आप इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को गौर करता है, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए।
उसको फास्टिडियस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि किसी चीज को बहुत बारीकी से देखने वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको तुम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट व्यक्ति होता है। वो आप उसके लिए कितना अच्छा काम कर दो, वो कमियां निकाल ही देता है। तो फास्टिडियस व्यक्ति क्या होगा, हर चीज को बहुत बारीकी से देखने वाला, या फिर जिसको खुश करना बहुत कम, ये बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। जैसा कि आप फास्टिडियस देखते हैं, इस पिक्चर को देखिए कि किसी व्यक्ति ने आके इस टेबल को साफ की, बट फिर भी इसने कमी निकाल दी कि यहाँ पे एक हल्का सा दाग रह गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूजिटिव। अब इसको फ्यूजिटिव बोलते हैं, फ्यूगिटिव नहीं, फ्यूजिटिव। हिंदी में फ्यूजिटिव दिमाग ही नहीं लगाना है कि फ्यूजिटिव वर्ड आपको दिखते क्या याद आना चाहिए, विजय माल्या। विजय माल्या कौन है, एक भगोड़ा जो अपना पैसा लेके भाग गया है, यूके में छिप के, फ्यूजिटिव भगोड़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेनेटिक। फेनेटिक क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी ओपिनियन इतनी स्ट्रांग हो कि वो उसके खिलाफ कोई बोलता है तो वो फिर बहुत गुस्से से जवाब देता है या कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या, धर्म से रिलेटेड ये वर्ड है, तो हम फेनेटिक इसको बोलते हैं, कट्टर व्यक्ति। धर्म के बारे में कट्टर व्यक्ति होता है, इसको बोलते हैं फेनेटिक। इसको भी आप याद कर ले, फेनेटिक कट्टर व्यक्ति। जैसे कि एक ये मूवी थी आपने जॉन ट्रेवोल्टा की देखी होगी, द फेनेटिक, तो ये वही फेनेटिक। तो अपना आंसर क्या होगा, वन हु बिलीव्स इन हिज फेट, फेटलिस्ट। फास्टिडियस हो नहीं सकता, फ्यूजिटिव भगोड़ा होता है, फेनेटिक क्या होता है, कट्टर व्यक्ति होता है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली। किसी चीज का कंट्रोल ले लेना अचानक से, या फोर्सिबली मतलब ताकत से, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन वन है सीज, टू है लिबरेट, थ्री है रिलीज, फोर्थ है रिलेंक्विश। तो ऑप्शन वन क्या है, सीज करना। तो हम बोलते हैं ना, बैंक ने प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, किसी ने घर पे लोन ले रखा था वो चुका नहीं पाया, तो बैंक उसको आके सील कर जाती है, सीज कर जाती है, तो उसको बोलते हैं सीज करना। हिंदी में बोलते हैं जब्त करना, सीज करते ही ये पिक्चर आनी चाहिए। इसका अच्छा फ्रेंड्स, इसका एक वर्ड और भी होता है सीज को, क्या बोलते हैं हम, कन्फिस्केट करना भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, लिबरेट करना। लिबरेट करना क्या होता है, जैसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को लिबरेट कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, जैसे इस पिक्चर से देख सकते हो। ये लिबरेट देश के लिए यूज हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है, पक्षियों के लिए यूज हो सकता है। इस व्यक्ति की हथकड़ियां खुल गई, मतलब अब ये लिबरेट हो गया है, लिबरेट मतलब ये पिक्टोग्राम। तीसरा क्या होता है, रिलीज। रिलीज भी सेम ही मीनिंग होता है, रिलीज करना मतलब मुक्त करना, कि उस फलाने व्यक्ति को जेल से रिलीज कर दिया, बर्ड्स को आसमान में रिलीज कर दिया, मतलब ये बर्ड्स थे, किसी ने पाल रखा था, इसको छोड़ दिया हवा में, तो ये क्या हो गया, रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। फोर्थ क्या है, रिलिंक्विश करना। अभी हमने थोड़े टाइम पहले वर्ड देखा था रिनाउंस। रिनाउंस का हमने क्या मीनिंग देखा था, त्याग करना। रिलिंक्विश भी उसी से रिलेटेड है। रिलिंक्विश करना मतलब कोई व्यक्ति किसी ऑफिशियल सीट पे या कुछ अथॉरिटी की पोजिशन में बैठा है, उसका त्याग कर देना, तो उसको बोलते हैं वो रिलिंक्विश, कि ये व्यक्ति है, ये राजा है, कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन था उसने छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, ये देखो ये अपना राज मुकुट छोड़ के चला गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलिंक्विश। तो होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली का मीनिंग क्या होगा, लिबरेट, रिलीज और रिलिंक्विश, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रिलिंक्विश तो नहीं होगा, लिबरेट और रिलीज तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सीज इसका करेक्ट आंसर है। 26वां वर्ड क्या है, समवन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान एग्जिस्ट करता है इसमें भरोसा नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन क्या है, डिवोटी, एथिस्ट, प्रीस्ट और नन। अभी देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिवोटी क्या होता है, हमें पता है डिवोटी क्या होता है, भक्त होता है। डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के भक्त, जैसे इस फोटोग्राफ में देखे होगी भगवान कृष्ण जी के भक्त है। डिवोटी मीन्स ये पिक्टोग्राफ आनी चाहिए। एथिस्ट, एथिस्ट क्या है, अथिस्ट, आपने अगर मेरा सबसे पहला वोकैबुलरी सीरीज में वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रूट वर्ड थियोस कवर करवाया था। तो थियोस का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू गॉड। तो थीस्ट कौन होता है, TheiST, थीस्ट कौन होता है, समबडी हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा करता है उसको थीस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आस्तिक। और अथिस्ट क्या हो गया, किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो अथिस्ट क्या होगा, नास्तिक, जो भगवान में भरोसा नहीं करता। इसको आप इससे रिलेट कीजिए कि भगत सिंह ने एक बुक लिखी थी मरने से थोड़े दिन पहले, वाई आई एम एन अथिस्ट, कि मैं एक नास्तिक व्यक्ति क्यों हूँ। ये अक्सर ये बुक का जो टाइटल है ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक किसने लिखी थी। तीसरा ऑप्शन क्या, प्रिस्ट। प्रिस्ट हमें पता है ये कौन होता है, पुजारी।
नन क्या होती है? नन हमें पता ही है, जो चर्च के अंदर जो लेडी जो रहती है अपने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती है वो होती है नन। तो समवन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा? एथिस्ट, नास्तिक। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि कोई भी इवेंट यानी घटनाएं होती हैं या जो तारीख होती हैं उनको उनके होने की डेट के हिसाब से अरेंज करना, कि सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई, फिर कौन सी इवेंट हुई, फिर कौन सी इवेंट हुई, तारीख के हिसाब से जमाना। जैसे हम पढ़ते हैं कि बाबर इतने टाइम से इतने टाइम से बाबर राजा बना, फिर अकबर आया, फिर हुमायूं, जो भी है जिस सिक्वेंस में है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन क्या है? क्रोनोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एक्जियम। तीसरा क्या है? सीरियली। फोर्थ क्या है? डॉकेट। अब सबसे पहला क्या है? क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी तो मैं आपको फ्रेंड्स लास्ट वीडियो के अंदर भी ऑलरेडी ये वर्ड कवर करवाया था, जो 2023 के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे उनमें भी एक ऑप्शन क्रोनोलॉजी था। तो हैंस अपने को ऐसे लगता ही जा रहा है, वीडियो आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट ही होते हैं। तो क्रोनोलॉजी क्या होती है? चीज़ों को टाइम से अरेंज करना, डेट से या पुराना। जैसे इसके अंदर बता रहा है कि ये व्यक्ति 7:30 पे उठेगा, 8 बजे ब्रेकफास्ट लेगा, 8:50 पे स्कूल जाएगा, 11 बजे ब्रेक लेगा, 9:30 बजे सो जाएगा। तो ये क्या है? क्रोनोलॉजी है, चीज़ों को एक समय के हिसाब से अरेंज करना, क्रोनोलॉजी। सेकेंड क्या है? एक्जियोम। अब एक्जियोम क्या होता है? ए रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक्जियोम ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये अक्सर पूछा जाता है। एक्जियोम क्या होता है? कि कोई भी ऐसा रूल, नियम या सिद्धांत जो ज्यादातर लोग उसको सही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये क्या है? अपने आप में सत्य है, सब लोग जानते हैं और अपने आप में इसको हमें को प्रूफ देने के, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक्जियम क्या हो गया? स्वतः सिद्ध सत्य, ऐसी कोई चीज जो या कोई ऐसा सिद्धांत या नियम जो अपने आप में सिद्ध है उसको एक्जियम बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? सीरियली। सीरियली हम बोलते हैं कि ये जो सारी चीजें इनको सीरियली अरेंज कर दो, सीरियली मतलब क्रम से है, इनको एक ऑर्डर में एक क्रम में अरेंज कर दो, सीरियली मीन्स क्रम से है। फोर्थ क्या हो गया? डॉकेट। डॉकेट क्या होता है? ए डॉक्यूमेंट और लेबल दैट शोज व्हाट इज इन ए पैकेज, व्हिच गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, व्हिच जॉब्स हैव बीन डन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट या लेबल जिसमें दिखा रहा है कि अगर कोई बॉक्स पे लगा हुआ तो उसमें लिखा रहेगा इस बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या गुड्स को हमने डिलीवर कर दिया है, या फिर क्या क्या काम कर दिया है, कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवर डॉकेट। या फिर डॉकेट क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स का एक बंच जो लिखा रहता है, हॉस्पिटल का डॉकेट होता है, उसमें होता है कि भाई ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये इस चीज की रिपोर्ट है, ये इसका रेफरल है, तो वो डॉकेट हो गया। जैसा कि हिंदी में भी डॉकेट ही बोलते हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। हिंदी में देखेंगे जैसे डिलीवरी डॉकेट है, इसमें इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, ये हमने इस डेट को डिलीवर किया, ये इसकी अमाउंट है, तो ठीक है डॉकेट। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली क्रोनोलॉजी, कितना सिंपल है। अब ये देखिए, रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभी जो होता है, नॉट ऑफन, ऑफन क्या होता है? लगभग, तो नॉट ऑफन मतलब जो हमेशा नहीं होता है। कितना आसान दिया हुआ है, पर कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमें लगता है हमें इस वर्ड का मीनिंग आता है, बट हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता है, हम मीनिंग समझ जाते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में ऐसे क्वेश्चंस में आदमी फंस जाता है। ऑप्शंस क्या है? हैबिचुअली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली और रूटीनली। तो हैबिचुअली क्या होता है? हैबिट क्या होती है? आदत। हैबिचुअली कि हैबिचुअली उसने काम कर दिया, मतलब आदतन उसने ये काम कर दिया, कोई व्यक्ति हमेशा से वो काम करता रहा तो उसके बाद में भी वो काम कर देगा। सेल्डम क्या होता है? सेल्डम अगेन इसका मीनिंग होता है कभी कभार, रेयरली से रिलेटेड है, सेल्डम मीन्स कभी कभार, ये इवेंट सेल्डम होती है कभी कभार। ही कम्स टू माई होम सेल्डम, वो कभी कभार ही मेरे घर पे आता है। फ्रीक्वेंटली क्या होता है? प्राय, अक्सर। फ्रीक्वेंटली मतलब जो चीज़ बार बार होती रहती है। रूटीनली क्या होती है? फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, पर कोई टाइम फिक्स नहीं है। रूटीनली मतलब नियमित, फॉर एग्जाम्पल कि वो व्यक्ति हर महीने की 5वीं तारीख को मेरे घर आता है, तो वो रूटीनली नियमित हो गया। फ्रीक्वेंटली कोई अपने घर पे आता रहता है तो उसको बोलते हैं प्राय, वो कभी भी आ सकता है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को। सेल्डमली वो मेरे घर पे आता है, मतलब कभी कभार ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेयरली और नॉट ऑफन, तो आंसर होगा सेल्डम। नेक्स्ट वर्ड है सो डेलिकेट और प्रेसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, कि इतना कोई चीज इतनी डेलिकेट है या फिर इतनी स्पेसिफिक चीज है कि उसका एनालिसिस, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, या फिर उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत आसान है, लेकिन जो ये वर्ड जो ये दिया है ये भी अपने आप में डिफिकल्ट है।
तो अगर आप वर्ड्स को आपने अच्छे से मीनिंग नहीं समझ रखा होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन है सुटेबल, सेकंड है सटल। अब यहाँ पे आपको ये भी प्रोनंसिएशन पढ़ लेगी, यहाँ पे जो बी होता है वो साइलेंट होता है, सबटल नहीं होता है, सटल होता है, सटल बोला जाता है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है एनाग्राम। तो सुटेबल, सुटेबल तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये उस चीज के लिए सुटेबल टाइम है, सुटेबल व्यक्ति ढूंढना है मुझे अपनी जॉब के लिए। तो सुटेबल क्या होता है, उचित या सही या उपयुक्त, सुटेबल चीज चाहिए, सुटेबल व्यक्ति मिल गया मतलब उचित व्यक्ति मिल गया मुझे इस काम के लिए। कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जटिल, हमने सुना होगा भाई ये इवेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है या ये कार्य बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है, वो इतना जटिल है कि हर कोई उसको नहीं कर पाता। तीसरा ये ध्यान से सुनिए, सटल, सटल क्या होता है, नॉट वेरी ऑब्वियस और इजी टू नोटिस, भी कोई भी ऐसा काम जो फट से हो गया, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला, तो उसको हम बोलते हैं सटल, हिंदी में इसको बोलेंगे गुड, जो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ गया वो काम हो गया उसको बोलते हैं सटल। या कोई मूवमेंट है तो बोलते हैं सटल डांस मूवमेंट है, मतलब सटल मतलब ज्यादा नोटिस नहीं किए जा सकते। फोर्थ वर्ड क्या था, एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन ए डिफरेंट ऑर्डर। एनाग्राम क्या होता है कि कोई भी शब्द हो गया या फ्रेज हो गया तो उसके शब्दों को आगे पीछे करके दूसरा उनके अरेंजमेंट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, पहला तीसरे पे चला गया, तो ऐसे करके जो नया वर्ड बनता है उसको एनाग्राम बोलते हैं। ये अपने देखा होगा कि अपने थोड़े टाइम पहले एक वर्ड देखा था साइफर, उससे ही रिलेटेड है। तो एनाग्राम में क्या होता है, जैसे साइलेंट वर्ड है SILENT, तो हमने एल को इधर ले आई, आई को इधर ले आई, एस को इधर ले आया, टी को इधर लाए, ई को इधर लाई, एन को इधर ले गए, तो साइलेंट से क्या बन गया, लिसन। हार्ट से बन गया अर्थ। तो साइफर में क्या होता है कि कोई वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, पर एनाग्राम में क्या होता है, हमेशा एक मीनिंगफुल वर्ड से दूसरा मीनिंगफुल वर्ड ही बनता है, तो इसको बोलते हैं एनाग्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे, शब्द बदल कर नया शब्द बनाना एनाग्राम कहलाता है। तो सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू सो एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, सटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को ही अपने अपना देश मानते हैं। ऑप्शन क्या है, कॉन्वालेसेंट, कंट्रीमैन, मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन। फ्रेंड्स कुछ लगभग 10 मिनट पहले ही मैं बोल रहा था कि कॉस्मोपॉलिटन एक वर्ड है, उसको आप ध्यान से समझिए, बहुत बार पूछा जाता है, वहां पे ऑप्शन था, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके अगर चार ऑप्शन है तो आपको सही ऑप्शन पता है, उसके अलावा तीन भी पढ़ना जरूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करवाते हैं वो क्या करवाएंगे, ये देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे और जो उसका आंसर है वो बता के चले जाएंगे, बाकी तीन ऑप्शंस को वो कवर नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम जो 41 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर कर रहे हैं उसके चारों ऑप्शन देख रहे हैं, अपन 164 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अगर आपके पेपर में चार या पांच या छह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं तो गारंटी है कि दो या तीन, छह में से तीन तो इनमें से रिपीट हो जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन है कॉन्वालेसेंट, कंट्रीमैन, मेट्रोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉन्वालेसेंट क्या होता है, ए पर्सन हु इज गेटिंग वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ऑपरेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई गंभीर बीमारी थी या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है वो वापस से सही हो रहा है, उस स्टेज को बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंस तो क्या होता है, एक तो वो हो गया एक्टिविटी ऑफ गेटिंग वेल अगेन, कॉन्वालेसेंट मतलब जो व्यक्ति हो रहा है, तो हिंदी में कॉन्वालेसेंट मतलब जो व्यक्ति स्वास्थ्य का लाभ कर रहा है उसको बोलेंगे कॉन्वालेसेंट। ये थोड़ा बहुत टिपिकल वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग याद रखिए, बहुत सारा यूज होता है। अब मैं इसका सिनोनिम और आपको बता देता हूँ, एक वर्ड होता है रिकुपरेट, RECUPERATE, रिकुपरेट। रिकुपरेट क्या होता है, वो भी किसी बीमारी से वापस सही होना होता है, तो यहाँ पे वर्ड कॉन्वालेसेंट आई मतलब ये एक रिकुपरेट का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, एग्रावेट, कोई बीमारी एग्रावेट होती जाती है तो इसका क्या होगा, एंटोनिम। अब कंट्रीमैन, अब फ्रेंड्स कुछ कुछ इंग्लिश में फर्क है, अपन लोग जो इंडिया में कंट्री किसके लिए यूज करते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अगर यूएसए में वहां जाओ तो वहां बोलते हैं कंट्री, कंट्री किसके लिए रिफर होता है, गांव के लिए यूज होता है, तो कंट्रीमैन क्या होगा, ग्रामीण, जो व्यक्ति ग्रामीण है उसके लिए क्या यूज होगा, ग्रामीण, तो कोई कंट्री एरिया होगा तो मतलब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र। अब मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन क्या है, मेट्रो, अपन बोलते हैं मेट्रो सिटीज में रह रहा है, भाई जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मेट्रो सिटीज में रह रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, महानगरीय। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम इंडिया में किसको बोलते हैं, जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, महानगरीय है।
अब अपना वर्ड आ गया कॉस्मोपोलिटन। जो व्यक्ति पूरे संसार को ही अपना घर समझता हो, पूरे संसार को ही अपना देश समझता हो, वो बोलता है कि मैं पूरा वैश्विक नागरिक हूं, मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटनिज्म जिसे इंडिया की फिलोसफी रही है हमेशा से, वासुदेव कुटुंबकम, समस्त संसार ही मेरा घर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपोलिटन। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, कि कोई चीज अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इंडेंजर, सेकेंड है हार्ड वर्किंग, तीसरा है एंडेवर, फोर्थ है इंडेंट। तो इंडेंजर हमें पता ही है, इंडेंजर को अगेन मैं बोलूंगा कि रूट वर्ड्स में ब्रेक करना सीखे, इन प्लस डेंजर। डेंजर क्या होता है? खतरे में, इन मतलब खतरे में डालना। तो ऐसा कोई काम, कोई एक्टिविटी जिससे किसी को खतरे में डालते हैं उसको बोलते हैं इंडेंजर। हार्ड वर्किंग ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। इंडेंट क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हमने इंडेंट दे दिया है। इंडेंट क्या होता है? किसी सामान का ऑर्डर देना। एंडेवर क्या होता है? प्रयत्न करना, प्रयास करना। कोई काम में कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो एंडेवर करते रहो। अपन जैसे अपन किसी कंपनी से रिजाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर में लास्ट में लिखा रहता है कि वी विश यू वेल इन योर फ्यूचर एंडेवर्स, हम आपके भविष्य में जो भी आप प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, उद्यम करोगे, उनके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट एंडेवर का क्या मीनिंग होगा? प्रयत्न, प्रयास या नया उद्यम, कि आप नया एंडेवर, नया उद्यम भी या नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग क्या होगा? एंडेवर। 32 क्या है? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। ऑप्शंस क्या है? केकोग्राफर, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर एंड कोवनिस्ट। अब अगेन मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि अगेन मैं आपको कितनी बार बताऊं कि ग्राफी रूटवर्ड कितना आ रहा है, ग्राफी एंड ग्राफर। तो अगेन मेरा जो ग्राफर रूटवर्ड है वो वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। तो केकोग्राफर को हम कैसे रूटवर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं? ग्राफर मीन्स टू राइट, केकोज मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं याद करना है कि केकोज किसी की एक रोमन लैंग्वेज है, लेटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि केको का मीनिंग क्या होता है? बैड। तो केकोग्राफर क्या होगा? कि ए पर्सन हु एग्जिबिट्स द ट्रेट्स ऑफ बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग और बोथ, ऐसा व्यक्ति जिसमें जो स्पेलिंग्स को गलत तरीके से लिखता हो या फिर हैंड राइटिंग भी उसकी गंदी हो या फिर दोनों चीज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केकोग्राफर। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस बंदे ने कैसी गंदी हैंडराइटिंग लिखी हुई जो समझ में नहीं आती, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? केकोग्राफर। दूसरी तरफ कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफर कौन होता है? तो ये वर्ड कोरियो का क्या मीनिंग होता है? रिलेटेड टू डांस, डांस से रिलेटेड कोई चीज होती है कोरियो। और ग्राफी क्या होती है? टाइप ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो कोरियोग्राफर कौन होता है? कि ऐसा व्यक्ति हु डिजाइंस एंड अरेंजेस द स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांस, कि डांस में जो स्टेप्स को अरेंज करता है कि सबसे पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप करेगा, फिर बंदा डांस को ऐसे मूवमेंट करेगा कि पहले ये स्टेप आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, तो सबको मिला के जो एक अच्छा डांस बनता है, तो उसको जो डायरेक्ट करता है वो होता है कोरियोग्राफर। जैसे आजकल डांस रियलिटी शो में देखते हो कि भाई डांसर अलग होता है, कोरियोग्राफर अलग होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य रचना और कोरियोग्राफी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कोवनिस्ट। अब अगेन इसको आपको प्रोनाउंसिएशन भी सीखना पड़ेगा कि चोवनिस्ट नहीं होता, कोवनिस्ट, सी एच। जैसे केमिस्ट्री में सी एच को कै बोलते हैं, यहाँ पे भी कै बोला जाता है, कोवनिस्ट। कोवनिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु हैज एन अग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट देयर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इतना भरोसा है वो अनरीजनेबल ही क्यों ना हो कि मेरा देश सभी देशों से बढ़िया है, तो उसको हम बोलते हैं कोवनिस्ट। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि हर पेट्रियोटिज्म होता है, हर व्यक्ति में क्या होता है? अपने देश के लिए गौरव फील करता है, पेट्रियोटिक, देशभक्ति का भाव होता है। अब देशभक्ति का भाव इस हद तक बढ़ जाए कि वो बोले कि नहीं नहीं मेरे देश के अलावा किसी भी देश में कोई बढ़िया नहीं है, मेरा देश सबसे बढ़िया है, और उसके आधार पर वो लड़ाई वड़ाई भी करे, तो उसको बोलते हैं कोवनिज्म, कोवनिस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंध राष्ट्रवादी। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो वन हु इज बैड इन स्पेलिंग क्या होगा? केकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द मेन कैरेक्टर इन स्टोरी। अगेन ये तो हमें पता ही होगा, इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो मेन कैरेक्टर इन स्टोरी या फिर मूवी, फिल्म, सीरियल, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, लीडर और प्लेयर। एंटागोनिस्ट क्या होता है? वन दैट कंटेंट्स विथ और अपोजिज अनदर, एडवर्सरी, किसी का एडवर्सरी होना या किसी का अपोनेंट होना या किसी का विलेन होना। तो एंटागोनिस्ट के सिनोनिम क्या हो गए? एडवर्सरी, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि फिल्म में क्या होगा, एक हीरो होगा, वो कुछ काम करना चाह रहा है और उसका जो हर स्टेप पे विरोध करता है वो होगा एंटागोनिस्ट। हिंदी में हम उसको विलेन भी बोल सकते हैं, गुंडा बोलेंगे, या फिर अपोनेंट कौन होता है, विरोधी। एडवर्सरी कौन होता है, सामने वाला। तो एंटागोनिस्ट के सिनोनिम्स क्या हो गया, एडवर्सरी, अपोनेंट, विलेन। इसका मीनिंग आप समझ गए। एंटागोनिज्म जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। बोलते हैं ना कि आई हैव एंटागोनिज्म विद दैट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बनती है, हम एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब एंटागोनिस्ट का मीनिंग आते ही आप इसको पिक्टोग्राफ को अमरीश पुरी साहब से रिलेट कीजिए कि अपने इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमरीश पुरी से अच्छा विलेन कौन हुआ है। तो एंटागोनिस्ट कौन है, अमरीश पुरी। प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है, द मेन कैरेक्टर इन ए प्ले, फिल्म और बुक। कोई भी पुस्तक हो या फिर कोई फिल्म हो या फिर कोई नाट्य हो, नाटक हो, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसका बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। मतलब जो अपन बोलते हैं कि फिल्म में हीरो कौन है, एक्टर कौन है, उसके लिए हम प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नायक। तो प्रोटेगोनिस्ट से आप किसको याद किया, प्रोटेगोनिस्ट कौन है, अनिल कपूर। प्रोटेगोनिस्ट अनिल कपूर, एंटागोनिस्ट कौन है, अमरीश पुरी। लीडर हमें पता ही है, लीडर कौन होता है, अपने मोदी साहब। प्लेयर कौन होता है, खिलाड़ी कौन है, कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेन कैरेक्टर इन स्टोरी क्या होगा, प्रोटेगोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए लेटर, पोइम, एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। कोई भी खत या कोई पोइम या कविता या फिर कोई बुक भी हो सकती है, उसका ऑथर कौन है, उसको किसने लिखा है, वो हमें नहीं पता हो तो उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, ऑटोनोमस। दूसरा क्या है, एनोमेलस। तीसरा क्या है, एनोनिमस। चौथा क्या है, ऑटोक्रेट। तो ऑटोनोमस क्या हुआ, ए रीजन और एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिफर होता है, एबल टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर। कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी रीजन, क्षेत्र, जो अपने आप को गवर्न करता है, अपने आप पे राज करता है और अपने जो जितने भी डिसीजंस होते हैं खुद लेता है, कंट्रोल्स इट्स ओन अफेयर्स, खुद डिसीजंस लेता है, वो किसी के अंडर नहीं आता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में स्वाधीन है, खुद के अधीन है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। हिंदी में इसको बोलेंगे स्वतंत्र। जैसे भारत एक ऑटोनोमस कंट्री है, भारत को अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो किसी भी दूसरे देश पे वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, इसको बोलेंगे ऑटोनोमस, स्वतंत्र। और इसका एंटोनिम क्या होगा, पराधीन, जो किसी दूसरे के अधीन है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। सेकेंड ऑप्शन क्या था, एनोमेलस। एनोमेलिस किससे बना है, एनोमली से, ए एन ओ एम ए एल वाई। एनोमली क्या होती है, जो रेगुलर चीज होती है उससे हटके कोई चीज होती है तो उसको एनोमली बोलते हैं। एनोमेलिस क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। कि जो हम नॉर्मल जो कोई चीज होती है या फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस चीज की अपन अपेक्षा करते हैं, वैसी नहीं होती, उससे अलग हटके हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनोमेलिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेविटी है, तो अपन ऊपर से कोई भी चीज ड्रॉप करेंगे तो नीचे गिरेगी, तो ये नॉर्मल चीज है, एक्सपेक्टेड चीज है, लेकिन अगर नीचे की जगह ऊपर से ले जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक एनोमली है। वैसे एक तो क्या होता है, एनोमेलस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अनियमित चीज, जो नियम के विरुद्ध है। एनोनिमस, ये हमें याद रखना है, एनोनिमस क्या होता है, विथ ए नेम दैट इज नॉट नोन और दैट इज नॉट मेड पब्लिक। कि कोई भी किताब का कोई ऑथर हो या फिर किसी ने कोई खत लिखा हो या कोई बुक लिखी हो, उसके ऑथर का नाम किसी को पता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनोनिमस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बेनाम, गुमनाम, या गुमनाम नहीं, बेनाम, या फिर हम बोलेंगे एक वो वर्ड आता है कि अनामिका। अनामिका कौन है, जिसका कोई नाम नामिक नहीं हुआ, नाम नहीं रखा गया, तो अनामिका, एनोनिमस। फोर्थ वर्ड क्या है, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट में आपको ऑलरेडी पहले भी कवर करवा चुका हूँ, जो क्रेसी रूट वर्ड का मेरा वीडियो है वो देखिए आप, उसमें ये सब कवर करवाया हुआ है। ऑटोक्रेट मतलब जहाँ पे, जिस देश में सारी ताकत एक ही व्यक्ति में निहित होती है, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं। तो ऑटोक्रेट क्या होता है, तानाशाह, कि एक व्यक्ति होता है, वो पूरे देश पे राज करता है, सारे डिसीजन वही लेता है, तो ऑटोक्रेट क्या हो गया, तानाशाह है। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, एडोल्फ हिटलर। तो ए लेटर, पोइम, एटसेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, एनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्सन हायर्ड टू ड्राइव आवर कार। ऐसे व्यक्ति जिसको हम अपनी कार चलाने के लिए हायर करते हैं। तब अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी वो मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, इसका मतलब ये आंसर नहीं है कि ड्राइवर और ये सब चलेगा। तो ऑप्शंस क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, कंडक्टर, सोफर एंड कैलीग्राफर। कार्डियोलॉजिस्ट, देखो पिक्टोग्राफ से देखिए, हार्ट का डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और कुछ याद नहीं लगता, कार्डियोलॉजिस्ट ये इस पिक्चर से याद कीजिए। कंडक्टर, अब कंडक्टर यहाँ पे आप बस कंडक्टर और उन सब पे मत जाइए, थोड़ी सी मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ कि मेच्योरिटी की जरूरत है। तो कंडक्टर कौन होता है, ए पर्सन हु स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एंड डायरेक्ट्स द म्यूजिशियन।
कि जो ये बहुत सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑर्केस्ट्रा में लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने एक व्यक्ति होता है जो हैंड से ऐसे मूवमेंट करके, एक हैंड में उसके ऐसी स्टिक होती है, तो उससे वो डायरेक्ट करता है कि अब ये म्यूजिक आएगा, ये म्यूजिक आएगा, तो उसको पूरे को जो मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोफर। सोफर कौन है? पर्सन हायर्ड टू ड्राइव आवर कार, मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति, प्रोफेशनल ड्राइवर जो सूट वूट पहन के एकदम अजब से रहेगा, जो अपनी गाड़ी चलाता है, उसको बोलते हैं सोफर। अगेन ये चोफर नहीं बोला जाता, इसको सोफर बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफर, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इसके अंदर, कि कैले मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो जो ब्यूटीफुल डेकोरेटिव हैंडराइटिंग में लिखता है, सुलेखन होता है, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। देखो फ्रेंड, कितनी बार मैंने बोला ये कैलीग्राफी वर्ड इसी साल के एग्जामिनेशन में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो पर्सन हायर्ड टू ड्राइव आवर कार क्या होगा? सोफर। नाउ नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? हैविंग नो सिंपैथी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी के लिए कोई दया का भाव नहीं है, सिंपैथी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है मर्सीफुल, केयरलेस, टेंडर एंड कंपैशनेट। तो मर्सीफुल क्या होता है? मर्सीफुल वर्ड किसे बनना है? एम ई आर सी वाई, मर्सी से। तो मर्सी क्या होती है? दया। मर्सीफुल मतलब वन हु इज फुल ऑफ मर्सी, मतलब दयालु व्यक्ति। टेंडर क्या होता है? नाजुक, कि हम बोलते हैं कि बच्चे टेंडर होते हैं, या फिर टेंडर कोई स्टेज होती है डेवलपमेंट की, तो नाजुक। केयरलेस क्या होता है? संवेदनाहीन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें दूसरों के लिए कोई संवेदना नहीं है, कोई सिंपति नहीं है, केयरलेस। चौथा क्या है? कंपैशनेट। कंपैशनेट क्या होता है? कृपालु, दूसरे लोगों पे उसको कृपा आ जाती है। तो देखा जाए तो केयरलेस और कंपैशनेट, या फिर मर्सीफुल या केयरलेस, एक दूसरे के एंटोनिम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैविंग नो सिंपति, कोई सिंपति नहीं होती, आंसर क्या होगा? केयरलेस। अब फोर्थ क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड क्या होती है? नफरत। तो ऑप्शंस क्या क्या है? मेलिएबल, मेल वोलेंस, मैग्नानिमस एंड मेल अप्रोपोज। अब ये फ्रेंड्स मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ही प्यारे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे ऑप्शंस ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है हेट्रेड, ये तो बहुत आसान सा है। तो मेलिएबल क्या होता है? मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेलिएबल क्या होता है? दैट कैन बी हिट और प्रेस्ड इन टू डिफरेंट शेप्स इजिली विदाउट ब्रेकिंग। ऐसा कोई भी मेटल जिसको हम हथौड़ी से टोक या कैसे भी करके अलग अलग शेप में बनाए जा सकते हैं, उसका वायर बनाया जा सकता है, उसको कोई सर्कल बनाया जा सकता है, वो चीज़ टूटती नहीं है, ऐसा मटेरियल, उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। जैसे कि हम देखते हैं ये गोल्ड है, गोल्ड का हम कोई भी शेप दे सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं लचीला। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कॉपर मेलिएबल होता है, कॉपर का हम पतला वायर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। नेक्स्ट क्या है? मेल वोलेंस। ये एक वर्ड है मेल वोलेंस, एक दूसरा बेनेवोलेंस। बेने में क्या होता है? BENE, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो मेल वोलेंस का मीनिंग क्या होता है? ए डिजायर टू हार्म अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति उसमें दूसरे व्यक्तियों को बिना किसी काम के नुकसान पहुंचाने की आदत होती है, उसको बोलते हैं मेल वोलेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं द्वेष। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो चलते फिरते किसी का नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो मेल वोलेंट पर्सन होंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये लोग एक दूसरे की तरफ चीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेल वोलेंस है इनके अंदर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस तो मीनिंग क्या होता है? काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दयालु हैं, जनरस हैं, उदार हैं और फॉरगिविंग मतलब माफ करने वाले हैं, स्पेशली अपने दुश्मन के खिलाफ भी। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मैग्नानिमस। हिंदी में मीनिंग है बहुत ही उदार व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इनको गन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने महान है कि इसको फूल दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस वर्ड सुनते ही आपको ये पिक्टोग्राफ माइंड में आना चाहिए, मैग्नानिमस, उदार व्यक्ति, माफ करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेल अप्रोपोज। अब मेल अप्रोपोज अगेन रूट वर्ड से देखेंगे कि मेल एंड अप्रोपोज से बना हुआ है। मेल हमें देखा ही है कि बैड या नोट करेक्ट होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो मेल आ गया मतलब रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेल मीन्स बैड और नोट करेक्ट, अप्रोपोज। अब ये फ्रेंड्स अप्रोपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई जगह पूछा जाए, ये उसमें आपके सिनोनिम्स में भी पूछा जा सकता है। अप्रोपोज का क्या मीनिंग होता है? अप्रोप्रिएट, प्रासंगिक। अप्रोपोज अप्रोप्रिएट, किसी सिचुएशन के अप्रोप्रिएट कोई एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो आपकी ड्रेस अप्रोपोज होगी, अप्रोप्रिएट होगी। तो मेल अप्रोपोज का मीनिंग क्या होगा? इन एन इनअपॉर्चुनेट और इनअप्रोप्रिएट वे, मतलब ऐसा कोई आप इनअप्रोप्रिएट तरीके में या फिर इनअपॉर्चुन मतलब समय के हिसाब से कोई चीज नहीं कर रहे हैं, तो वो मेल अप्रोपोज होती है। हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा? अप्रासंगिक।
तो अपना आंसर क्या होगा, हेट रेट क्या होगा, मेलियबल होना हो नहीं सकता, लचीला होता है, मैग्नानिमस क्या होता है, दयालु उदार व्यक्ति होता है, मेला प्रोपोज क्या होता है, अप्रासंगिक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्वेष, मेल वोलेंस। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, ए गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्टिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक ऐसी सरकार जो सरकार के जो अधिकारी हैं उनके आधार पे, उनके डिसीजंस के आधार पे डिसीजन लेती है, जबकि जो चुने हुए लोग हैं उनकी जो वो जो बोलते हैं वो नहीं होता है। तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन है जेरेंटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। अगेन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी आपको बोलूंगा कि क्रेसी रूट वर्ड का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिसमें मोर और लेस ये सारे वर्ड्स कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये देखना हो तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के आपको आई बटन पे इस वीडियो का लिंक अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देखिए वहां से। तो सबसे पहले जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी को हम कैसे देख सकते हैं, जेरेंटो प्लस क्रेसी। तो जेरेंटो रूट वर्ड जहां पे भी आता है, तो जेरेंटो का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड एज। जेरेंटो मतलब ओल्ड एज, बूढ़े व्यक्तियों के लिए जो रिफर होता है वो जेरेंटो होता है। क्रेसी मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जेरेंटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, कि जो काफी बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको गेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्ध तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो राज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मजाक के लिए लोग बोलते हैं कि यूएसए में क्या है, अमेरिका में क्या है, गेरेंटोक्रेसी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रम्प प्रेजिडेंट था वो भी बूढ़ा था, अभी बाइडन आया है तो वो और भी बूढ़ा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने सारे लास्ट वीडियो में, क्रेसी रूट वर्ड के वीडियो में सब में, तो मैंने आपको बता रखा है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ ए स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें पूरी जनसंख्या उस देश की होती है वो मिलके एक कुछ लोगों को चुनती है और वो चुने हुए लोग उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो आपने जो फेमस कहावत सुनी होगी कि डेमोक्रेसी क्या है, कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई सरकार होती है वो डेमोक्रेसी कहलाती है। तो डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। जैसे इस पिक्टोग्राफ में देख सकते हो कि भाई ये इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हर लोग के पास वोट की समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है, वो वोट देकर अपने नेताओं को चुनते हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, तो फ्रेंड्स अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, कि ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित हैं, एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर्स हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। हिंदी में इसको बोलते हैं तानाशाही। बेस्ट एग्जाम्पल जर्मनी हिटलर के अंडर। फोर्थ वर्ड क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ए गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसी सरकार जो सरकार के जो रिटन एग्जाम पास करके जो आपके अधिकारी आए हुए हैं जो वो रिकमेंड करते हैं तो वही एक्शन लेती है, ना कि जनता के द्वारा चुने हुए लोगों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नौकरशाही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके साथ में ये लोग उनके ड्राइवर वगैरह हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, सोविंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट क्लेवर एंड जुडिशियस। एस्ट्यूट क्या होता है, चालाक, कि कोई व्यक्ति कोई भी निर्णय रहता है वो चालाकी से लेता है, वो बंदा तेज हो, वो जुडिशियस मतलब वो गलत डिसीजन नहीं लेता, सही डिसीजन लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है स्ट्रीक, स्विफ्ट, श्रूड एंड स्ट्राइक। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस क्या हैं, इसके अंदर आपको स्ट्राइक और श्रीक और स्विफ्ट का मीनिंग नहीं आए, अगर आप श्रूड का मीनिंग भी आए जो कि एक कॉमन वर्ड है तो आप इसको कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, वर्ड्स को रूट वर्ड में ब्रेक करना सीखिए, वर्ड्स को जो बड़े इंपोर्टेंट टफ से वर्ड है उनको पिक्टोग्राफ के साथ एसोसिएट करना सीखिए, आप कभी नहीं भूलोगे, क्वेश्चन आपके फट से सही होने लग जाएंगे। तो श्रीक क्या होता है, अब बोलते हैं डोंट श्रीक, श्रीक क्या होता है, चिल्ला के बोलना, जिसे बच्चे जोर से बोलते हैं वो बोलते हैं श्रीक, श्रीकिंग। स्विफ्ट क्या होता है, आचार्य के पास पाप का स्वीकार करना। स्विफ्ट क्या होता है, कि भी दिखाते हैं कि चर्च में एक व्यक्ति गया, एक रूम बना रहता है, उसके अंदर जाके वो अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्विफ्ट। तीसरा क्या होता है, स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होता है,
एक ऐसा पक्षी होता है, तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। श्रुट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो चतुर होता है, ऐसा व्यक्ति जो सही समय पे सही हालातों को मद्देनजर रखते हुए सही डिसीजन लेता है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति कौन होता है? श्रुट। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रुट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक रचना कैसी है, उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, कि क्लासिफाई मतलब कि ये जो सारे एनिमल्स हैं इनमें मेमल्स कौन से हो गए, वर्टिब्रेट कौन से हो गए जिनमें हड्डी कौन सी नहीं होती, उनको बांटा गया हो उनको, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी पूरे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है जूलॉजी, आर्कियोलॉजी, पेट्रोलॉजी और इकोलॉजी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो अगर आपने मेरे लॉजी रूट वर्ड की सीरीज यूज वो अगर आपने वीडियो देखा हो तो सारे के सारे क्वेश्चन ये ऑप्शन मैंने वहां कवर करवाए हुए हैं। तो जू लॉजी को हम कैसे ब्रेक करेंगे? जू प्लस लॉजी। जू क्या होता है? एनिमल या कोई भी लिविंग बी, उसको क्या बोलते हैं? जू। और लॉजी क्या होता है? साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। तो जूलॉजी क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी होगी, उनके बिहेवियर की होगी, क्लासिफिकेशन की होगी, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन की होगी उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि जूलॉजी हो गया, इसका एक सब पार्ट क्या होता है? एंटोमोलॉजी। जो भी अब की बार पूछा गया है इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने पहले कवर किया। ऑर्निथोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्पेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं स्नेक और हो गए इनके तरह। मेमोलॉजी क्या होता है? मेमल्स के बारे में। फिर फिजियोलॉजी होती है, शारीरिक रचना की स्टडी होती है। तो ये सब किस में आता है? जूलॉजी में। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन क्या था? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या कैसे रूट वर्ड से बना है? आर्किया से। आर्किया क्या होता है? एंशियंट थिंग्स, जो पुरानी चीजें हैं जो कब की मिट्टी में दब चुकी है उनके बारे में। लॉजी मीन साइंस। तो आर्कियोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। कि अगर पुरानी कोई सभ्यता थी तो वो जमीन में कई दिनों से दब गई, ठीक है, अब उनकी खुदाई करके हमें उसके अवशेष मिले हैं, मकान मिले हैं, उनके बर्तन मिले हैं, उनकी जो पॉटरी मिली है, उनकी लोगों की हड्डियां मिली हैं, स्कल मिला है, उनसे हम उनकी एनालिसिस करते हैं और उनकी क्या जीवन शैली रही होगी वो जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या संस्कृति रही होगी उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। जैसे कि आप इससे देख रहे हो कि ये कोई व्यक्ति है आर्कियोलॉजिस्ट है, ये क्या कर रहा है? ये कोई पुराना स्कल मिला है, इसको क्लीन करके इसको एनालिसिस करेगा कि ये कितने साल पुराना है, कैसे ये लोग रहते होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेट्रोलॉजी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रो रूट वर्ड जहां पे भी आए, कहीं पर भी पेट्रो रूट वर्ड आए उसका मीनिंग रॉक होता है, रिलेटेड टू रॉक, पत्थर से संबंधित उसका मीनिंग होता है। लॉजी हमें पता ही है। तो पेट्रोलॉजी क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ रॉक्स आर मेड एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ। ऐसा साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम पढ़ते हैं कि पत्थर कैसे बने हैं, उनके क्या क्या कंपोजिशन हैं, उनमें कौन कौन से मिनरल या धातु तत्व हैं, उसको हम बोलेंगे पेट्रोलॉजी। हिंदी में इसको बोलेंगे सेल विज्ञान। जैसे पेट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक कौन से थे, सेडिमेंटरी रॉक कौन से हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से हैं, कौन सा किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें क्या धातु होता है, कौन सा सॉफ्ट होता है, कौन सा हार्ड होता है, इन सबको पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इको, इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। इको रूट वर्ड कहीं पे भी आया उसका मतलब होता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जैसे इको फ्रेंडली पीपल बोलते हैं आजकल आता है, इको फ्रेंडली प्लास्टिक आता है। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इकोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके आपस में कैसे संबंध है और उनके जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण है उससे कैसे संबंध है, तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये ट्री होता है उस पर ऑक्सीजन देता है, ट्री पर ये कैटरपिलर रहती है, फिर कैटरपिलर पेड़ के पत्ते खाती है, ये भी हवा से ऑक्सीजन लेती है, कैटरपिलर कोई बर्ड खा जाता है, तो इनके आपस की और इन्वायरमेंट से कैसी रिलेशनशिप है इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। पेट्रोलॉजी पत्थर से जुड़ी विज्ञान। इकोलॉजी क्या होती है? इन्वायरमेंट, एनिमल की इन्वायरमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जूलॉजी।
नेक्स्ट वर्ड क्या है, द डक्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर। इसमें अपने को वन वर्ड देखना है फास्ट मूविंग वाटर का, कि जो डक थी बतख थी वो फास्ट मूविंग वाटर से डर नहीं रही थी। ऑप्शन है टोरेंट, करंट, फ्लड एंड ओवरफ्लो। तो टोरेंट, सबसे पहले टोरेंट क्या देखते हैं। टोरेंट क्या होता है कि कोई नदी में या कोई झील में, झील में तो नहीं, नदी में कोई पानी बहुत रफ्तार से चल रहा होता है, तेज गति से चल रहा होता है, उसको बोलते हैं टोरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो कि नदी का पानी कितनी रफ्तार से चल रहा है और ये इसमें राफ्टिंग कर रहे हैं। राफ्टिंग हम किस में कर सकते हैं, उसी में कर सकते हैं जिसमें पानी बहुत स्पीड से जा रहा हो, तो इसको बोलते हैं टोरेंट। फिर दूसरा क्या है, करंट। करंट हम किसको बोलेंगे, जैसे ओशन में भी करंट होते हैं, रिवर में भी वाटर करंट्स होते हैं, तो वो हम किसमें बोलेंगे, पानी जो धीरे धीरे मूव करता है एकदम स्लोली। जैसे इस फोटो में देख रहे हैं आप कि पानी देखो हल्की सी जेंटल सी हवा है और पानी कैसे लहरें हल्की हल्की बना के चल रहा है, तो अक्सर झील के अंदर हम ऐसा ही पानी देखते हैं, तो इसको बोलते हैं करंट। तीसरा क्या, फ्लड। फ्लड तो बाढ़ होती है, हमें पता ही है कि जब एक नदी का एक निर्धारित रास्ता होता है उसमें पानी इतना ज्यादा होता है कि वो किनारे से बाहर लोगों के रहने के एरिया में आ जाते हैं, उसको फ्लड बोलते हैं। ओवर फ्लो क्या होता है, ओवर फ्लो हम किस लिए यूज करते हैं, कोई पानी की टंकी के लिए या फिर कोई डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, उसमें इतना पानी इकट्ठा हो गया कि उसको ओवर फ्लो, मतलब उसके ऊपर से पानी निकल गया, तो उसको हम बोलेंगे ओवर फ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टोरेंट। तो चलो फ्रेंड्स, यही थे 2022 के सभी 9 स्विफ्ट के CPSI प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये अगर आप कर लेंगे, अपन नेक्स्ट सीरीज के अंदर क्या लेके आएंगे, 2021 के अंदर जो भी सब ये पूछे गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके साथ अपन TCS की सारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की 5-6 साल की सीरीज पूरी करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम में सबसे जरूरी क्या है, मेहनत बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप लोग सिर्फ लगे रहिए, ऐसा भी कोई काम नहीं है जो असंभव है। जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी अपनी ही तरह नॉर्मल बुद्धि वाले लोग हैं, कोई वो असाधारण लोग नहीं है, बस उनमें डिटर्मिनेशन अच्छा था, वो हार्डवर्क ज़्यादा किया आप लोगों से, इन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया। तो आप मेरे साथ टिके रहिए, धीरे धीरे वीडियोज में आपको एक एक दो दो थोड़े दिनों बाद मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है। तो आप इन वीडियोज को देखते रहिए, साथ साथ आप अपना जो मैथ्स वगैरह पढ़ते हो वो भी पढ़ते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि कोई नया भी वीडियो आए तो उसे आप मिस नहीं करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।